हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे दिल सिविल पॉइंट इंदौर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से सिविल पॉइंट इंदौर पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस एमपीपीएससी ए। नोटिफिकेशन आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, जल्द से जल्द एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो हमें भी जल्द से जल्द सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज खुशखबरी है, नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, इससे पहले आपके जो पैरेलली क्लासेस चल रहे हैं एमपीपीएससी यही फाउंडेशन बैच में, वो कौन कौन से हैं बाबू लोग? फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग चल रहा है, सॉइल तो आज से स्टार्ट हो ही गया, और एक सब्जेक्ट शेड्यूल कर दी गई है, वो भी एक दो दिन से अपलोडिंग चालू हो जाएगी उसकी भी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है ना। हम अपन लोग पैरेलली चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को खत्म करनी है चीजें समझते हुए, ताकि हमारे पास रिवीजन करने का भी प्रॉपर टाइमिंग रहे। ओके, तो अब आगे बढ़ता हूं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं, एमपीपीएससी ए फाउंडेशन बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दी सिविल पॉइंट इंदौर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, द सिविल पॉइंट ऐप टाइप करिए, वहां लिखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह अवेलेबल होगा ये लोगो अपना, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ये भी दिख जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे आपको, आप फिर स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एमपीपीएससी ए सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन बैच दिख जाएगा, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। खुशखबरी है इसमें कि 20% ऑफ अभी चल रहा है आप सभी के लिए, तो इसका फायदा उठाइए। सो गो एंड ज्वाइन इन द क्लासेस। तो सॉइल मैकेनिक्स ना बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि हमें पढ़ना क्या है, सॉइल मैकेनिक्स में तैयारी क्या करना है, ये चीज हम जान लें। सिलेबस अपना क्या है वो सिलेबस सीख लें, सिलेबस को एक बार पढ़ते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो सिलेबस, उसमें हमको पढ़ना है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी, मतलब यूनिट वेट वगैरह, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे केवल ये इसका डिफिनेशन पढ़ के छोड़ देने से नहीं होगा। वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, कितने तरह के टेस्ट है, ओवन ड्राइंग मेथड है, फिर पिक्नोमीटर मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, टॉर्सनल इंफ्रारेड टॉर्सनल बैलेंस मेथड है। तो सब चीजों को हमको पढ़ना होगा। अल्कोहल मेथड है, बोला ना प्यारा सा मजेदार टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स। तो वो सब मेथड को पढ़ना है, किसका क्या एडवांटेज है नहीं है वो सब पूछा। ये सेंटेंस एक लाइन में लिखा है लेकिन वो एक लाइन का ना समझे आप, है ना। हमें बहुत चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है अंदर घुसकर। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हो गया, देखो पूरा चैप्टर ही है, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर को वो एक लिख दे रहे हैं। वो चैप्टर का नाम एक है, क्ले मिनरल्स एक चैप्टर है अपने आप में। कैपिलरी वाटर, कैपिलरिटी इफेक्ट इन सॉइल, वो अपने आप में एक चैप्टर है। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, लैब एंड फील्ड मेथड टू फाइंड आउट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपोजिट, मतलब जिसमें सॉइल सीरीज और पैरेलल फ्लो होगा सॉइल के अंदर, ऐसे कंडीशंस में हमें इक्विवेलेंट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हमको बतानी होती है। देखो सीपेज आ गया, सीपेज प्रेशर, क्विकसैंड कंडीशन, फ्लो नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो ये यूजेस भी किया, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, दैट इज टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, जो कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सेल्फ वेट या सरचार्ज लोडिंग के कारण होता है, या फिर आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन सॉइल। इसलिए यहाँ पे बजिंगनेस थ्योरी, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट, ये सब चीजें भी हमको पढ़नी है। कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट, तरजागी थ्योरी, कंसोलिडेशन टेस्ट हो गया, सेटलमेंट कंप्यूटेशन, मतलब कंसोलिडेशन का कैलकुलेशन कैसे, सेटलमेंट कंप्यूटेशंस, टाइम सेटलमेंट कर्व, ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन कर्व वगैरह, कॉम्पैक्शन टेस्ट पूरा, ये कॉम्पैक्शन का चैप्टर आ गया, कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड द सिग्निफिकेंस फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन टेस्ट मतलब प्रोक्टर टेस्ट, वो करना है अपने को, तो उसमें जितने भी डेटा है सब याद रखनी है। शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, मतलब ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, वो पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अर्थ प्रेशर, ये भी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, रनकाइंड एंड कूलम्स थ्योरी, सीधा लिखा हुआ है,
आगे बियरिंग बियरिंग कैपेसिटी, फिर तरजागी एनालिसिस, फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी कॉमा प्लेट लोड। ये जो है ना ये आपका सैलो फाउंडेशन है बेसिकली, ठीक है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सैलो फाउंडेशन। उसके बाद आ गया देखो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्वेडिश स्लिप सर्कल मेथड एंड बिशॉप्स सिंप्लीफाइड मेथड, ठीक है। स्टेबिलिटी नंबर ये ज्यादा नहीं लिखा है ना, अपन उसी के हिसाब से पढ़ेंगे चैप्टर को, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। तो ये भी एक छोटा चैप्टर है, ये भी एक छोटा टॉपिक है। सब सरफेस एक्सप्लोरेशन मेथड, सैम्पलिंग एसपीटी डीसी पीटी एंड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कॉमा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड सेस्मिक मेथड, वेरी गुड, ठीक है। ये एक ये भी एक छोटा टॉपिक है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ फाउंडेशन टाइप्स एंड डिजाइन क्राइटेरिया कॉमा राफ्ट, फाउंडेशन के ऊपर है, मतलब ये थ्योरिटिकल पोर्शन, ये थ्योरी है, ओके, ये इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, ये कब थ्योरी है, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है बस, बाकी सब थ्योरी है। पाइल फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ पाइल्स, ये डीप फाउंडेशन का बात कर रहे हैं, दिस इज योर डीप फाउंडेशन। ग्राउंड, अच्छा अब बताओ, देखो एक चीज बताता हूँ, जब मैं बीटेक में था, ये बात मैं कर रहा हूँ सेवेंथ सेमिस्टर का, सिक्स सेमिस्टर का ही, सिक्स सेमिस्टर में मेरे पास एक बार ऑप्शंस आया था, मतलब ऑप्शंस आते हैं ना ऑप्शनल वगैरह, कुछ पेपर चूज करेंगे, एक दो पेपर चूज करने का रहता है, अपने से चूज कर सकते हो। तो मेरे पास ना शायद ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक जीआईटी, इस पेपर का नाम है जीआईटी, ये अलग से एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सेंटेंस में दिया गया है, इस पेपर का नाम है जीआईटी। तो जीआईटी के जगह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज करने का था, या जीआईटी है ना, दो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मतलब वही लीडरशिप क्वालिटी, रोल ऑफ मैनेजर, इन सब चीजों को पढ़ना था, वो सब चीज। मैं सोचा यार वो सब क्या पढ़ूंगा, मैंने जीआईटी चूज किया था। आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े मालूम नहीं, बहुत जगह बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाते, मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ब्रिज इंजीनियरिंग नहीं पढ़े होते हैं। भाई ब्रिज कैसे नहीं पढ़े हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन नहीं पढ़े होते हैं, अपने सिलेबस में हम सिखाएंगे आपको, वो नहीं पढ़े होते हैं। तो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, वो तो छोड़ो, बीटेक वाले बच्चे मैं बात किया हूँ बहुत लोगों से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं पढ़े होते हैं, समझ रहा है, तो दिक्कत होता है। क्यों इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उस तरह से हमें सब्जेक्ट नहीं देते, वो अपने अपने हिसाब से देते हैं, जो जो फैकल्टी उनके पास अवेलेबल रहते हैं पढ़ाने के लिए, वो उनके हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करके आपका तैयारी करवा देते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री आपको दे देते हैं। लेकिन आईआईटी एनआईटी वगैरह में ऐसा नहीं होता, ठीक है, और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अगर जाओगे तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर आपके पास चॉइस रहता है, आपके पास आजादी रहती है, ठीक है। आप किसी से गाइडेंस, अपने सीनियर से, फ्रेंड से, टीचर से गाइडेंस लेके आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है। अगर कोई ऑप्शनल है वहां पे आपका अपना डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तो वो आपके पास अवेलेबिलिटी उस चीज की होती है। तो हम लोगों ने लिया था ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ वो पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ चूंकि एक लाइन में लिखी हुई है, तो आप समझिए जितना लिखा है अपने को उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो सॉइल मैकेनिक्स है इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, अगर बताऊं ऐसे तो पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ये जो सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस है, इस सिलेबस को देख के तुमको आइडिया हो गया होगा कि इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट का सिलेबस इसके अंदर में आता है, इससे बाहर नहीं, इसके अंदर में है। क्यों, ये जो सिलेबस है ये इससे ज्यादा है जो ईएससी और गेट का सिलेबस। अरे सर ऐसा बोल रहे, सच में वो ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है ईएससी गेट में, वो सब सॉइल एक्सप्लोरेशन वगैरह या फिर वो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन वगैरह वो सब ईएससी गेट में उतना नहीं है, वो सब वहां से नहीं पूछते। ईएससी गेट में जो भी पूछते हैं वो सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक बेसिक से स्टक रहते हैं, उसी से चिपके हुए रहते हैं। जैसे ये वाला पेज है, इसमें जितना भी चीज लिखा हुआ है दिस आर द बेसिक पोर्शन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ईएससी गेट में, ये पूरे पोर्शन से, सभी टॉपिक से। फिर ये वाला टॉपिक हो गया कौन सा, ये सैलो फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया, फिर ये पाइल फाउंडेशन मतलब डीप फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया, ये टॉपिक गेट ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ये चलो ये भी लिख लो एक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, बाकी जो टॉपिक्स है वो टॉपिक हमारे एजेई में ही है, तो हल्के में नहीं लेना है, प्लस अपने को आगे चल के इंटरव्यू भी अटेम्प्ट करनी है। तो सब्जेक्ट को ऐसे
समझना होगा, ताकि जैसे कि हम अभी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाए, प्लस इंटरव्यू में भी अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो उसका भी आंसर हम लोग कर पाए। तो सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा सब चीजों को उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपका इंटरव्यू भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। समझ में आ रही चीजें, है ना? हम उसको भी छोड़ नहीं सकते, इंटरव्यू को भी। ओके, उसको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन इंटरव्यू लाइक है, मैं वहां पे हाईलाइट करवा दिया करूंगा कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, ये इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं या इस पे बातचीत होती है, मैं आपको वहां पे बता दिया करूंगा। तो ये आपका सिलेबस है सॉइल मैकेनिक्स का। अब जो हमारा स्टडी का अप्रोच रहेगा, फाउंडेशन क्लासेस चूंकि है ये, तो स्टडी का जो अप्रोच रहेगा वो अप्रोच क्या रहेगा, हम एक चैप्टर करेंगे। एक चैप्टर को करने के बाद उस चैप्टर से, उस टॉपिक से, इंजीनियरिंग सर्विस में जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं, गेट में जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं, एसएससी जेई में जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं, आपके एई में जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं, व्यापम जेई में जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं, सारे सॉल्व कर लेंगे। अपना एई जेई सब कुछ हो जाना चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम आपको क्लासेस के दौरान ही सॉल्व करवा देंगे, जो चीज आप देख भी रहे हो, जो हमने सोम में किया है। ठीक है, तो ऐसा चलेगा अपना ये फाउंडेशन क्लासेस। तो ये आपकी इधर से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कंसेप्ट सीख गए, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओगे जो पूछे गए क्वेश्चन से उस पर, तो आपका पूरा लॉजिक डेवलप हो जाएगा, अच्छे तरीके से सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, आप में क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी, इजीली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई न्यू क्वेश्चन आ गया तो पैनिक, घबराहट नहीं होगी, पैनिकनेस नहीं होगा, कूल माइंडेड रह के आंसर कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट को, लॉजिक्स को कनेक्ट करने की आइडिया आ चुकी होगी। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करेंगे, बेस्ट क्लासेस है, पूरा मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, खोज लीजिए। अब डेली बात होती रहेगी। हाँ, डाउट सॉल्विंग के लिए ऐप के ऊपर ही है, उधर ही आप डाउट पूछते हो, तो डाउट सॉल्विंग वगैरह उधर ही होता है। चैप्टर वन से शुरू करेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उससे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल वगैरह देखेंगे, फिर धीरे धीरे सब बेसिक बेसिक चीजें जैसे वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इन सब चीजों को कवर करते हुए हम चैप्टर को एक स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास सिलेबस, अभी हम आगे क्लास अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता दूं जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अपने हाथों से खुद से लिखने का जो आनंद है, जो मजा है, और वहां से जो फिर दिमाग में समझ बनती है सब्जेक्ट की, उससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, नोट्स लिखिए, समझ गए? टाइम टू टाइम मैं बोलते रहता हूँ कि यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो, तो साथ साथ क्लास पढ़ते पढ़ते साथ साथ नोट्स भी लिखते चलो, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लिखना तो है ही, अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है, जो कंटेंट मैं ऑनलाइन 1.5 घंटे में पढ़ा दूंगा, वही चीज ऑफलाइन में 3 घंटे में पढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका होता क्या है कि आप यहीं पे वही 1.5 घंटे में, जो मतलब लिखने में सब कुछ बिताने में आप 2-2.5 घंटा लगा देते हो, तो वैसा नहीं करिए, आप साथ साथ लिखते चलिए। साथ साथ लिखते चलेंगे तो 1.5 घंटे का क्लास आपका, मान लो 1 घंटे 30 मिनट का क्लास है, तो 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि तो थोड़ा पाउज या चालू करने में, फिर पाउज करने में, चालू करने में लगता है, ज्यादा उठो बैठो नहीं, एक बार बैठ गए तो बैठे रहो, क्लास कंप्लीट करके ही उठना है, ऐसा सोचिए। इसलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइमिंग रख रहे हैं, बाकी एग्जाम में तो 3-3 घंटे 2-2 घंटे बैठने ही होते हैं, उतना तो मिनिमम बैठने की आदत डाल ही लो, बाकी मैं भी क्लास शेड्यूल कर दूंगा उसी हिसाब से भाई तुम लोग का। ठीक है, 2 से 3 घंटे का क्लास में शेड्यूल कर दूंगा, उठो ही नहीं, बैठे रहो सीधा, और एक ही सेट में बैठिए, पढ़िए फिर उठिए, ये आदत होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो बार बार ऐसा नहीं कि बार बार उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कभी टॉयलेट, कभी इधर, कभी उधर, ऐसा तो नहीं होता है ना, समझ रहे बात को? तो कंसंट्रेशन, इससे क्या होती है, कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होता है। ओके, सो चलिए तो अपन लोग चैप्टर वन चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला टॉपिक।
सॉइल बनती कैसे है, ये हम सीखेंगे। ये सीखने से पहले मुझे ये बता दो आप कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल है क्या? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कभी एक बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन, सॉइल क्या है बाबू, तो क्या बताओगे? देखो बेसिकली होता क्या है, आप एक छोटा सा पत्थर को एज्यूम करिए, कुछ भी पत्थर हो सकता है, कोई भी पत्थर हो सकता है, एक छोटे से पत्थर को, बस मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला है, इमेजिन करो कोई एक छोटा सा पत्थर है, अभी इस पत्थर के ऊपर से लगातार पानी बह रही है, तो घिस जाएगा, घिस जाएगा, घिसते रहेगा, घिसते रहेगा, फिर लाख धीरे धीरे इतना साइज का था, देखो धीरे धीरे इतना छोटा हो गया, तो क्या गायब हो गया पत्थर, मटेरियल उसका गायब हो गया? नहीं, वो टूटते गया लगातार, छोटे छोटे पीसेस में, कण में टूटते गया और पानी के साथ फ्लो होते गया। अब पानी के साथ जो वो कण फ्लो होके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जमा हो जाएंगे, वो पानी उन कण को कहीं ना कहीं जमा कर देगा, समझ में आ रहा? तो वो जो कण जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं कहीं जाके, वही सॉइल मास है, दैट इज ओनली सॉइल। तो सॉइल कैसे बना, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉइल इज नथिंग बट इट इज द डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रॉक। कोई पत्थर है, उसका डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म को ही हम सॉइल कहते हैं। क्लियर है, साफ सुथरा ढंग से एक स्टेटमेंट, कोई अब आगे इससे नहीं पूछेगा, ठीक है? हाँ, अब ये बात करेंगे हम कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, आखिर बनती कैसे है, इसका प्रक्रिया क्या है। देखिए जैसे मैंने यहां पे आपको माउंटेन्स दिखा रखा, पहाड़ दिखा रखा, तो इसमें रॉक है, रॉक अलग अलग तरह के रॉक हो सकते हैं, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो ये सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है। जब इन रॉक्स का वेदरिंग होगा, जब ये वेदरिंग कहने का मतलब है इरोजन, है ना, अपरिवर्तन, इरोजन, इरोजन मतलब वहां से उसके सरफेस से जो ये पूरा 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 रॉक मास है, इसके सरफेस से छोटे छोटे कण निकलते रहेंगे हरदम, वेदरिंग होता चलेगा, इरोजन ऑफ रॉक मास। जब ये वेदरिंग होगा, तो वेदरिंग होगा तो वो रॉक डिसइंटीग्रेट होगा, छोटे छोटे कण में कन्वर्ट होगा, वही जो छोटा छोटा पार्टिकल बन रहा है वही जाके कहीं पे डिपॉजिट करेगा, या फिर जहां पर बन रही है वहीं पे डिपॉजिट करेंगे, तो वही सॉइल बनाती है, समझे क्या? तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है सॉइल फॉर्मेशन में, वो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक मास। अब ये जो वेदरिंग है, ये दो कारणों से हो सकता है, एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग जिसमें आपका फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व होता है। फिजिकल एजेंट कहने का मतलब है, जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया रनिंग वाटर, है ना, तो रनिंग वाटर एक फिजिकल चीज है, जैसे हिमालय से अपना गंगा मां निकलती है ना, तो वो जब माउंटेन से निकल रही है, बह रही है, तो वो रॉक सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है, उसको लगातार इरोड करते रहती है, उसका लगातार वेदरिंग करते रहती है, तो तोड़ते तोड़ते वो सारे कण गंगा माँ के पानी में आते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं डिपोजिट करती है और प्लेन्स बनाती है, सॉइल मास बनाती है। यूपी बिहार में वो सॉइल का एक कैटेगरी आप जानते हो, अलुवियल सॉइल उसे कहते हैं हम, मैं बताऊंगा, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल, तो वहां पे फिर इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो जो फिजिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग के कुछ एजेंट है, जैसे कि हो गया रनिंग वाटर, हो गया आइस, हो गया ग्रेविटी, हो गया विंड, हो गया। अच्छा, ग्रेविटी कैसे, देखो पहाड़ है, ज्यूम करो बहुत बड़ा पहाड़ है, जब बहुत बड़ा पहाड़ है वहां पे कोई एक छोटा पत्थर है, मान लो पहाड़ के ऊपर पे कहीं कोई एक पर्टिकुलर हाइट पे छोटा पत्थर है, वो किसी तरह से अनबैलेंस हो गई, वो क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई, तो क्या होगा, गिरेगा नीचे, जब नीचे गिरेगा, कभी इससे टकराया, कभी उससे टकराया, कभी इधर टकराया, उधर टकराया, उसके टूटे टूटे हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा वो टकरा टकरा के, या फिर टकरा नहीं भी रहा है तो गिरते वक्त मान लो दूसरे कोई दूसरा रॉक है उससे घिस रहा है, उस कारण से वो डिसइंटीग्रेट करेगा फिर। तो ये एक फिजिकल एजेंट है ना, ग्रेविटी, जिस कारण से वेदरिंग हो रही है रॉक की, है ना, तो इसके कारण वो छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो रहा है रॉक, समझ में आ रहा है ना, तो ये भी ग्रेविटी भी एक तरह का एजेंट है फिजिकल वेदरिंग का। दूसरा जो प्रोसेस है वेदरिंग का, वो है केमिकल एक्शन, केमिकल वेदरिंग उसे हम कहते हैं, रिएक्शंस होते हैं अंदर ही अंदर रॉक के अंदर, कुछ कुछ रिएक्शन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इस तरह का कुछ कुछ रिएक्शंस होता है, जिस कारण से फिर वो डिसइंटीग्रेट करता है, फिर वो टूटता है, रॉक मास कमजोर होकर टूटने लगते, समझ में आ रहा है, तो वो होता है केमिकल एक्शन। तो ये दिस इज द वेदरिंग ऑफ रॉक, फिजिकल वे में हो सकता है ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स, और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से केमिकल वेदरिंग हो सकता है, कहने का मतलब है इरोजन,
मतलब जो रॉक है जो बड़ा साइज का है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। सॉइल का बात कर रहे हैं, सॉइल का दाना देखो, ग्रेन देखो कैसा होता है, फाइन फाइन होता है, फाइन या फिर इतने बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे किस किस तरह का सॉइल होता है उसको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, तो वहां पे और क्लियर होगा है ना। लेकिन अभी ये समझिए कि बड़ा पत्थर है उसको छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो रहा है बाय दिस टू एक्शंस, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एक्शंस है ना। तो ये फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। ओके, तो हमने लिख दिया फिजिकल वेदरिंग, रनिंग वाटर के कारण, आइस के कारण, ग्रेविटी के कारण, विंड के कारण, ईटीसी यहाँ पे लगा दो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं आगे डिस्कस करेंगे। केमिकल वेदरिंग हो सकता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, कार्बोनेशन रिएक्शन हो गया, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, जैसे रिडक्शन रिएक्शन हो गए, और भी डिफरेंट रिएक्शन, ईटीसी यहाँ पे लगा दो। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस थी इसके कारण जो रॉक था वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब वो जो डिसइंटीग्रेटेड मास है वो क्या होगा, वहां उसमें दो चीज पॉसिबिलिटी है। जो ये चीज डिसइंटीग्रेट हुई, जो रॉक थी उसका डिसइंटीग्रेशन जब हुआ, तो जो डिसइंटीग्रेटेड मास है वो मास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में है इसके साथ क्या होगा, दो चीज हो सकती है। क्या हो सकती है देखो, पहला, या फिर तो ये होगा कि ये जो डिसइंटीग्रेटेड मास है ये किसी कारण से जिस जगह पे बना था वहां से ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरे जगह तक चले जाएगा। कारण क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी रनिंग वाटर गंगा माँ का एग्जाम्पल ले लो, या फिर और भी जितने भी नदी हैं पूरे भारत में सभी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वो क्या करते हैं डिसइंटीग्रेट करवाने के बाद अपने साथ उन पार्टिकल्स को इन सस्पेंशन फॉर्म कैरी करते हैं और कहीं दूसरे जगह पे प्लेन्स में आके जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरह से और भी एजेंट्स हैं जिसके कारण ये डिपोजिशन हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, हवा उड़ा के लेके गया एक जगह से दूसरी जगह पे डिपोजिट कर दी, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट एजेंट्स, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तब जब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जो सॉइल फॉर्म होती है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, समझ में आ रहा है। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो सॉइल फॉर्म होगी उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। कहने का मतलब है जिस जगह पे वेदरिंग हुई रॉक मास की, उस जगह पे अब वो पार्टिकल है नहीं, वहां से कहीं दूसरे जगह पे चली गई ट्रांसपोर्ट होके, तो वो जो सॉइल बन रही है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस जगह पे वेदरिंग हुआ है ना उसी जगह पे डिपॉजिट हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी यहां पे बताया, ये जो वेदरिंग हुआ है ये वेदरिंग का जो पार्टिकल्स है ये हो सकता है यहीं पर कहीं पे डिपॉजिट हो जाए लोकल एरिया में जहां पे जहां से वेदरिंग हुआ है, या फिर बाय एनी मोड, बाय एनी मोड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं जैसे पहाड़ों से अपना नदी निकलता है, तो बाय मीन्स ऑफ रिवर वगैरह, विंड वगैरह एक्सेट्रा, ये ट्रांसपोर्ट कर जाएगा है ना। तो दो चीजें अब यहाँ पे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स एंड या फिर डिपोजिशन एट सेम प्लेस वेर द वेदरिंग अकर्ड। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल या फिर डिपोजिशन एट सेम प्लेस या ओरिजिन आप कह लो, जहां पे वेदरिंग हुई है वहीं पे डिपोजिट कर रही है। तो यहां पे फिर दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ सॉइल आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो सॉइल बनती है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, इसमें फिर अलग अलग एजेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के और उस बेसिस पे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल बनते हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको। ठीक है, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। अगर मान लो ओरिजिन पे ही डिपोजिशन हो गई डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल की तो उसे हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल। तो यहां पे देखिए जो दो चीज है वो एक टर्म जो आ रही है ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो टर्म आ रही है डिपोजिशन है ना। तो जियोलॉजिकल साइकिल का हम बात जैसे करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो तीसरा एक्शन होगा वो होगा डिपोजिशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल। डिपोजिशन मतलब जमा हो रही है पार्टिकल्स, धीरे 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 जमा हो रही है। तो जब डिपोजिट होंगे, डिपोजिट होते चलेंगे, मान लो एक लेयर आई, फिर दूसरा लेयर चढ़ गया, फिर तीसरा लेयर चढ़ गया, चौथा चढ़ गया, पांचवा चढ़ गया, इस तरह से चढ़ते 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 ये फिर से एक पहाड़ बनना चालू हो जाएगा। देखो एक पहाड़ बन रहा है फिर से,
चढ़ते चढ़ते बहुत ज्यादा चढ़ गया, बहुत ज्यादा डिपोजिट कर गया, तो ये फिर से एक माउंटेन जैसा कुछ बनना चालू हो जाएगा। अब उसका इरोजन फिर से चालू हो जाएगा, फिर वो कहीं पे और जाके ट्रांसपोर्ट होके डिपोजिट होगी या फिर उसी जगह पे डिपोजिट होगी। तो ये आपका साइकिल है। तो वो जो फोर्थ स्टेप है डिपोजिशन के बाद, उसे बोलते हैं अपहीवल, मतलब अब डिपोजिशन बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वो ऊंचा हो रहा है, अपहीवल। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। ओके, तो ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए यहां पे। फिर अगला वाला पेज पे मैं साइकिल बना के दिखाता हूं। तो हमने आपसे बोला कि सबसे पहले हुआ वेदरिंग, वेदरिंग होने के बाद क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट एजेंट हैं, उस बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, टाइप्स ऑफ सॉइल आती है, उसके बारे में अभी देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल बने, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स, वो डिपोजिट करेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिट किए, डिपोजिशन होना शुरू हुआ, तो एक लेयर बना, उसके बाद फिर दूसरा लेयर बनेगा। मतलब ऐसा, ये मान लो एक लेयर जमा हो गई, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ गया, फिर तीसरा लेयर चढ़ गया, फिर चौथा चढ़ गया, फिर पांचवा चढ़ गया, इस तरह से डिपोजिशन हो रहा है। तो क्या देखिए, ये एक फिर से एक चट्टान जैसा बन रहा है, अपहीवल हो रहा है, चट्टान जैसा बन रहा है। तो ये अपहीवल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपहीवल, है ना, अपहीव बन रही, हीव मतलब एक जमा होते चलते हीव बनना, एक हाइट का एक कुछ, है ना। तो अपहीवल हो रहा है, हीविंग हो रहा है, अपहीवल। तो ये अपहीवल हुआ, तो अपहीवल में फिर से क्या बन गया, एक चट्टान जैसा बन गया, फिर से एक बहुत बड़ा मास जमा हो गया, अब फिर से इसका वेदरिंग हुआ। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये साइकिल है, इस तरह से होती है सॉइल का फॉर्मेशन। अब ये जो प्रोसेस है जो आपने अभी पढ़ा है ना, ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसे हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। और किस तरह से फॉर्म होती है, उसका हर एक स्टेप को आपने अभी देखा, वेदरिंग जो कि फिजिकल या फिर केमिकल हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेम प्लेस पे डिपोजिट हो जाएगा, दो में से कोई एक चीज, फिर डिपोजिशन, अपहीवल, अपहीवल, अपहीव होने के बाद फिर उसका वेदरिंग। तो ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नॉन एज पेडोजेनेसिस। एक बात का डिस्कशन और यहीं पे कर लिया जाए। देखो यार बताओ, ये जो मैंने वेदरिंग ऑफ रॉक बताया, वेदरिंग ऑफ रॉक में मैंने आपको दो सिस्टम बताया, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। तो दोनों से सेडिमेंट फॉर्म हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहा है रॉक, और वहां से सॉइल बन रहा है। ठीक है, दिमाग लगाओ मेरे को, ये बताओ अगर फिजिकल वेदरिंग हुआ है और सॉइल बना है, फिजिकल वेदरिंग हुआ है और सॉइल बना है, तो वो सॉइल का प्रॉपर्टी और ये जो पेरेंट रॉक है जिससे जिसका वेदरिंग हुआ है, उसका प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस होगा या बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल एक्शन था, वो बस नेचर उसका वही है, बस वो टूटा है छोटे छोटे कणों में, समझ में आ रहा। तो जो पेरेंट रॉक है जहां से वेदरिंग हुई है, वही सेम प्रॉपर्टी वो सॉइल भी रिजेंबल करेगा, उस सॉइल के पास भी वही सेम प्रॉपर्टी होगी अगर फिजिकल वेदरिंग के माध्यम से सॉइल बना है। लेकिन केमिकल एक्शन हुआ, कोई एक फॉर्म में था, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो प्रॉपर्टीज है नॉट रिमेन सेम एज द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कहने का मतलब है वो रॉक जिसका वेदरिंग हो के ये सॉइल बना है ना, समझ आ रहा। तो केमिकल वेदरिंग अगर होगा तो प्रॉपर्टीज आपका चेंज हो जाएगा सॉइल का, क्लियर है। और अगर फिजिकल वेदरिंग होगी तो सॉइल का प्रॉपर्टी और पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। केमिकल वेदरिंग जब होगा, पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी और सॉइल का प्रॉपर्टी जो फॉर्म हुई है विल बी डिफरेंट,
है ना। तो ये एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, ये वाला जो पेज था ये साइकिल आपने बनाया कि नहीं, उम्मीद करता हूं कॉपी पे बना लिया होगा। यही आपका नोट्स था, यही सब लिखते चलिए, ठीक है। तो नोट पॉइंट में ये सेंटेंस को डालेंगे, नोट, दो सेंटेंस है, इफ वेदरिंग इज फिजिकल और मैकेनिकल, इसी फिजिकल वेदरिंग को हम कभी कभी मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, देन दिस सॉइल फॉर्म्ड विल हैव सेम प्रॉपर्टी एज पैरेंट रॉक। इफ वेदरिंग इज बाय केमिकल एक्शन देन सॉइल फॉर्म्ड विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी देन पैरेंट रॉक। एक केस में सेम प्रॉपर्टी कब, जब फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग हुई है, एक केस में डिफरेंट प्रॉपर्टी जब केमिकल एक्शन के माध्यम से वेदरिंग हुई है। ध्यान में रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, देखिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हाट इज दैट पॉइंट, आने दीजिए इनको देखिए क्या है। एक इंसान खड़े हैं इधर, फोटो है, इनका नाम है कार्ल वॉन तरजागी, कार्ल वॉन तरजागी। देखिए सॉइल मैकेनिक्स में ना आप बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, कासाग्रांडे का नाम देखेंगे, बोजिंगनेस का नाम देखेंगे, वेस्टागार्ड का नाम देखेंगे, है ना, बहुत सारे स्टोक्स साहब थे उनका नाम आप देखेंगे, इन ये सब नाम हम देखते रहते हैं, सॉइल में भी उनका योगदान है, ठीक है। हेजन साहब थे, सबका बहुत बहुत लोगों का बहुत तरह का योगदान है। डार्सी, डार्सी परमिएबिलिटी लॉ सुन रखा होगा कभी ना कभी, तो उनका योगदान है ना सॉइल मैकेनिक्स में। बट जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट वाला योगदान था, जिन्होंने पूरा सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया, वो थे कार्ल वॉन तरजागी। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्या कहा जाएगा, रनकाइंस साहब थे, देखो किसी का नाम नहीं आ रहा है, रनकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट किन्हीं का नाम नहीं आ रहा है, इनका नाम आ रहा है। इन्होंने पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स का व्यू चेंज कर दिया था, कंसोलिडेशन थ्योरी इन्होंने दिया था, पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। और भी फाउंडेशन डिजाइन में इनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे उनमें से कहीं ना कहीं एक्सट्रीम सिग्निफिकेंट जो योगदान दिया गया था वो तरजागी साहब के द्वारा दिया गया था, इसलिए इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है। इनका पहला बुक का नाम था इराड बाउ, ये बार नहीं है यू है, ये आर नहीं है यू है, इराड बाउ मैकेनिक, इर्द बाउ मैकेनिक, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, इर्द बाउ मैकेनिक, इर्द बाउ मैकेनिक, ई आर डी बी ए यू, इर्द बाउ मैकेनिक, मैकेनिक, इर्द बाउ मैकेनिक। उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये सिविल इंजीनियर नहीं थे, He was a mechanical engineer. ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया निवासी, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए ये पॉइंट को भी मैंने डाला। इंटरेस्टिंगली पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में, ये ऑस्ट्रियन इंजीनियर थे और मैकेनिकल प्रोफेशन से थे, He was, इनका डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था इनके पास, समझिए बात को। वो चल के बनते हैं अपना जो हम पढ़ते हैं सिविल बैकग्राउंड में सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, इनके फादर। तो आप इंटरेस्ट देखिए बंदे का, है ना, कहां प्रोडक्शन एंड मशीन डिजाइन, कहां अपना फाउंडेशन इंजीनियरिंग, हाँ मतलब कितना डेप्थ है, कोर है उधर। उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में जगा, इसलिए इनको ये मतलब टैग से नवाजा गया है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और भी ढेरों कहानियां हैं इनके पीछे, है ना, इनके बचपन की स्टोरी वगैरह सब कुछ, जो कि अपने को नहीं जाननी है उतना, बस इतना जाननी है। तो आप फोटो तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको एक नोट में डाल के लिख लो, पूरा का पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाके आप विकिपीडिया पे, विकिपीडिया यहां पे जाके इनके बारे में पढ़िए, तब आपको अंदाजा होगा कि इनका इंटरेस्ट कैसे जगा था सॉइल मैकेनिक्स के अंदर और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, है ना। तो वो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विकिपीडिया पे रहता है, आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, ओके, आप और कनेक्ट कर पाओगे इंजीनियरिंग प्रोफेशन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सॉइल,
हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सॉइल, इसको जो हम लिखेंगे कॉपी में एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। अब वो टेबल क्या होगा, इस तरह का आपका टेबल बनेगा। देखिए पहला रहेगा कॉलम में नेम ऑफ सॉइल, सॉइल का नेम क्या है, ठीक है। नाउ यहां पे रहेगा एजेंट, ओके एजेंट, एजेंट का थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं एजेंट, और यहां पे उसके बारे में कुछ अगर नोट लिखना है अपने को तो वो हम नोट यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कॉलम बनेगी, आप ऐसा ही कॉलम बनाइए। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताता हूं, जिसे हम कहते हैं अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या होता है सुनो, सीधा हम चले जाएंगे गंगा माँ के पास। गंगा माँ कहां से आ रही है, हिमालय से आ रही है, तो वहां पे इरोजन की, ठीक है, वेदरिंग हुआ सॉइल पार्टिकल्स का, बेसिकली फिजिकल वेदरिंग हो रहा है। तो वेदरिंग होने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में आ गए, है ना। वो छोटे छोटे फाइन सेडिमेंट हो सकते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो किस में आ गए, सस्पेंडेड फॉर्म में आ गए। वो सस्पेंडेड फॉर्म में आए धीरे 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 गंगा माँ के साथ बहते बहते आए। जब गंगा माँ एक फ्लैट रीजन में पहुंचती है, प्लेन्स में पहुंचती है ना, प्लेट्यू रीजन में पहुंचती है, एकदम प्लेन प्लेन रीजन है पूरा, जैसे यूपी और बिहार का रीजन है, प्लेन रीजन है, तो वहां पे वो डिपोजिशन कर देती है धीरे धीरे। तो वो जो सॉइल बनती है, वो जो फॉर्मेशन होती है सॉइल की, उस सॉइल को हम कहते हैं अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे एजेंट कौन है, रनिंग वाटर, है ना। तो आपसे ये पूछेंगे कि अलुवियल सॉइल जो फॉर्म होती है उसके फॉर्मेशन के पीछे का जो एजेंट है वो क्या है, रनिंग वाटर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको किधर मिलेंगे इस तरह का सॉइल, जनरली रनिंग वाटर है, नदी किनारे, तो रिवर का जो बेसिन होता है ना, तो वहां पर आपको ये सॉइल मिल जाएगा देखने को, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, या ऐसे सीधा आप लिख दीजिए ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है, इसके बारे में हमने लिखा है ना। तो रिवर बेसिन में ये सॉइल आपको देखने को मिलेगा, सैंड ग्रेवल ये सारे जो होता है ये बेसिकली अलुवियल सॉइल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एग्जाम इसमें एक लिख भी दो, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जैसे कि सैंड हो गए, ग्रेवल हो गए, ओके, ये जो है ये अलुवियल सॉइल के कैटेगरी में आता है। मैक्सिमम जो सॉइल होती है वो अलुवियल नेचर की होती है, सैंड एंड ग्रेवल, मतलब डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, समझ में आ रहा। एसएससी जेई का क्वेश्चन है, वो भूलना नहीं। सेकंड टाइप ऑफ सॉइल पे आते हैं, दूसरा सुनना मेरा बात, ये तो रनिंग वाटर का हो गया, लेक में जाओ, लेक क्या होता है, पॉन्ड क्या होता है, वो एक स्टिल वाटर होती है, शांत पानी, शांत पानी। लेक में सेडिमेंट आ गए, क्ले के सेडिमेंट, लेक का जो पानी है, क्ले बोल रहा हूं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं लेक के पानी में आ गया, सस्पेंडेड फॉर्म में आ गया। सिटी ऑफ लेक क्या है, भोपाल, भोपाल इज आवर सिटी ऑफ लेक, याद रखना है ना। तो मान लो कि भोपाल में ये चीज, भोपाल का घटना है, तो भोपाल में जो लेक्स हैं बहुत सारे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में है सॉइल के, आ गए। अब क्या होगा, धीरे 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 वो पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी एक सेटलिंग वेलोसिटी के साथ जाएगी लेक के बॉटम पे, डिपोजिट करेगी। तो ये समय दर समय चलता रहेगा, सालों साल ये डिपोजिशन होते रहेगी। तो फिर नीचे सॉइल बन रहा है कि नहीं, लेक के नीचे, डिपोजिशन बाई स्टिल वाटर, ये वाटर आपका मूविंग नहीं है, है ना, स्थिर पानी है। तो इसमें जो पार्टिकल्स के डिपोजिशन होते हैं, जिस कारण से एक सॉइल फॉर्मेशन होती है, उसको हम लैकुस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैकुस्ट्रीन सॉइल, लेक से बना लैकुस्ट्रीन सॉइल, क्लियर, लिखता हूं लैकुस्ट्रीन सॉइल, फ्रेश एंड स्टील वाटर इसका एजेंट है, है ना। और किधर आपको ये देखने को मिलेगा, लेक, ओके, लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, वहां पे आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख लो बगल में, भोपाल लिखना है तो दिमाग में रहेगा, भोपाल क्या है, सिटी ऑफ लेक, जीके का क्वेश्चन हो गया आपका, सिटी ऑफ लेक। अब तीसरा कैटेगरी पे आता हूं, थर्ड कैटेगरी अपना क्या है,
समंदर किनारे है ना, सी सोर, समंदर किनारे जो सॉइल बनती है उसे हम मेराइन सॉइल कहते हैं। ओके, जो समुद्र का जो पानी है वो जो डिपोजिशन करवाता है उसको हम कहते हैं मेराइन सॉइल। ऑब्वियसली मेराइन सॉइल है तो इसमें सेलिनिटी हाई होगी, नमक है ना वो ज्यादा होगा, सेलाइन होगा, खेती करने योग्य ये सॉइल नहीं होती है। ओके, मेराइन सॉइल, सी वाटर, समंदर किनारे ये मिलेगी। इसमें नोट पॉइंट में क्या लिखोगे, लिख लो हाई सेलिनिटी, ऑब्वियस सी बात है, हाई सेलिनिटी, नो एग्रीकल्चर यूज, नो एग्रीकल्चरल यूज, नमक होता है इसमें, ठीक है, नो एग्रीकल्चरल अप्लीकेशंस। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ काठियावाड़, ये सब सारा जो गुजरात इलाके में है, गुजरात वाले इलाके में, जिधर आपका इंदस नदी उधर से ही आती है और आपका उधर क्या है, आपका अरेबियन सी है ना, तो इंदस नदी आती है पाकिस्तान से फ्लो करते हुए वही सब इलाके में, और अरेबियन सी से, अरेबियन सी में जाके फॉल कर जाती है, और भी बहुत सारी नदियां आती हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ काठियावाड़ वहां पे, तो वो पूरा का पूरा इलाका खाली है, मतलब वहां खेती नहीं करते। क्यों? सैलिनिटी इतना ज्यादा हाई है ना वहां के सॉइल में, तो वो सारा सॉइल जो मेराइन सॉइल है ना, समंदर के जो ज्वार भाटा वगैरह उठते हैं वो धीरे 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 पानी जब जाती है जमीन पे तो सेडिमेंट को लेके जाते हैं, कुछ सेडिमेंट वहीं रह गए, फिर पानी आ गया वापस, फिर लेके गया, फिर आ गया, फिर लेके, ऐसा, तो सी वाटर डिपोजिट कर रहा है सॉइल को, तो सी वाटर बनाती है सॉइल को, तो उसे हम मेराइन सॉइल कहते हैं, समझ में आ रहा। उसमें खेती नहीं किया जा सकता, वहां खेती नहीं होती है, वहां बस जीव जंतु पनप जाए वही बड़ी बात है। सैलिनिटी है इतना हाई लेवल का, सोचिए खेती कहाँ से होगा। हम सैलिनिटी, अगर सॉइल जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें सैलिनिटी आ जाती है तो उसे कैसे हमें ट्रीट करना है, हम वो पढ़ते हैं, हम सोडियम हजार्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में, जो कि आपने पढ़ रखा है, अभी रिसेंटली इरिगेशन इंजीनियरिंग खत्म हुआ, वहां पे मैंने बताया था है ना, कैल्शियम हजार्ड, सोडियम हजार्ड, ये सारा चीज हमने बताया था। आगे बात, अब जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है बताता हूँ। मान लो लेह लद्दाख गए हो कभी घूमने के लिए, तो उस सेक्टर में चले गए, या फिर जम्मू कश्मीर वाले इलाके में चले गए, तिब्बत के पठारों पे घूम रहे हैं आप है ना, तो वहां पे देखिए बर्फ है, आइस है, तो जब सीजनल वेरिएशन वगैरह होता है ना, तो आइस भी ना धीरे धीरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, तो लोकेशन तक जाती है ना, फ्लोट करती है, फ्लोट करते हुए या फिर किसी भी माध्यम से, वो बेसिकली फ्लोट करते हुए है ना वो जाती है, तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेके चली जाती है, ठीक है, वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेके गए और कहीं पे जाके डिपोजिट कर रहे हैं और सॉइल बना रहे हैं, वो जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल। क्या बोलेंगे? ग्लेशियल, ग्लेशियल सॉइल। इसमें जो एजेंट है आपका, वो एजेंट क्या है? आइस। आइस के कारण ये सॉइल डिपॉजिट होती है, आइस के कारण ये सॉइल बनता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। इस सॉइल का एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम टालूस भी बोलते हैं, सॉरी टालूस नहीं, इसको टिल बोला जाता है, टालूस दूसरा सॉइल को बोला जाता है, जो कि अभी आप अभी बताएंगे, इसका एक अलग नाम है, इसको हम टिल भी कहते हैं। ये क्या है? अदर नेम, अदर नेम। ये आपको कहां पे मिलेंगे? वैसे इलाके में मिलेंगे जहां पे ग्लेशियर्स हैं, वहां पर आपको ये ग्लेशियल सॉइल देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? आप गूगल पे फोटो देख सकते हैं इसका। ओके, उसको आप जम्मू कश्मीर वाले इलाके ये सब में आपको ये सॉइल मिलेंगे। आगे बात करते हैं, मान लो कोई पहाड़ी रीजन में हो, बहुत खतरनाक पहाड़ी रीजन है, जैसे कि हिमालय ही अपना बहुत खतरनाक और प्रमुख पहाड़ी रीजन है, देहरादून वाले इलाके में है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर हैं, माउंट एवरेस्ट ले लो यार, किधर हो इधर, कोई बड़ा बहुत बड़ा चट्टान है कहीं ऊपर था, कोई बहुत बड़ा चट्टान है वो ऊपर था, वो गिरते 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 ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, गिरते 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 आ रही है, तो साथ साथ इरोजन भी हो रहा है उसका, वो सेडिमेंट्स भी लेके आ रहा है अपने साथ है ना, बहते बहते फिर वो आके कहीं डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर ग्रेविटी के कारण कुछ हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स में कुछ हुआ है ना, पत्थर एक दूसरे से घिसे, फिर वहां से डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद फिर वो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल कहीं पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये सारा चीज कौन करवा रहा है? ग्रेविटी करवा रहा है। समझ
समझ पा रहे हैं, ये सारा कुछ कौन करवा रहा है, ग्रेविटी करवा रहा है। तो ग्रेविटी के कारण एक डिपोजिशन हुई, मतलब डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स का एक डिपोजिशन हुआ, जिस कारण से एक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह का जो सॉइल बनता है इसे हम कोलुवियल सॉइल कहते हैं, कोलुवियल सॉइल। यहां पे एजेंट कौन, ग्रेविटी। इसका एक स्पेशल नेम भी है, जैसे ग्लेशियल सॉइल का स्पेशल नेम था टिल, इसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं टालूस। टालूस याद रखिएगा, ये सब चीजें एग्जाम में पूछता है आपसे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके डिफरेंट एजेई एग्जामिनेशन में, है ना। यूं ही नहीं पढ़ा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोलुवियल सॉइल है, ये बेसिकली आपको जो टालूस है ये किधर देखने को मिलेगा, जो माउंटेन वैलीज है ना आपको वहां पे ये सॉइल मिलेंगे, माउंटेन वैली, ठीक है, पहाड़ी इलाके में मिलेगा, है ना, माउंटेन वैलीज में आप ये देखोगे। टिल जो है जहां पे ग्लेशियर्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा, आप लिख सकते हैं वहां पे टिल जो है क्या है, जहां पे ग्लेशियर्स हैं उस इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। छठा टाइप ऑफ सॉइल, सिक्स, देखो ये समझाता हूं। राजस्थान वाले इलाके में जाओगे, ठीक है, अपना पूरा का पूरा डेजर्ट है वो उधर राजस्थान वाले इलाके में, तो वहां पे छोटे छोटे ऐसे टीले दिखते हैं आपको, सैंड का ड्यून होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून। ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना, इन सब चीजों का सैंड ड्यून कैसे फॉर्म होता है ये वो सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हम कवर करवाएंगे ज्योग्राफी वगैरह भी। अभी तो अरविंद जी ने जो कवर करवाया वो तो आपका एक नॉन टेक के लिए है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट पीएससी लेवल का है। ओके, सो आई विल कम ओवर इट, ज्योग्राफी, साइंस, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ना बच्चों को पैसा देना होता है। मैं थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का है, समाजवाद, खैर ज्यादा नहीं थोड़ा सा हूं, कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट को भी रखते हैं, समाजवाद कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं, बीच का आप कह सकते हैं। तो ये सैंड ड्यून होता है, तो देखो होगा क्या, अब सैंड ड्यून मतलब सैंड पार्टिकल्स है। गर्मियों के टाइम पे देखो कितना ज्यादा तेज हवा बहता है ना, तो ये तेज हवा जब बहेगी तो ये सैंड ड्यून से जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इरोड होंगे और कहीं दूसरे जगह पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे, फिर वहां पे वो डिपोजिट हुआ मतलब सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो वो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको हम एओलियन सॉइल कहते हैं, एओलियन सॉइल। ये बेसिकली किस कारण से फॉर्म हो रही है, विंड इज एजेंट, यहाँ पे विंड वो डिपोजिशन करवाती है। ये किधर मिलेंगे आपको, डेजर्ट वाले इलाके में मिलेंगे। एओलियन सॉइल जो होती है ना वो बेसिकली सैंडी नेचर की होती है, वो सैंड ही होती है, सैंड ड्यून्स होती है बेसिकली, है ना। एक मतलब जो ये सैंड ड्यून है, इधर से उठाया मिट्टी को दूसरी जगह डिपोजिट करते चला, उधर एक सैंड ड्यून बन गया, इधर से मिट्टी उठाया उधर डिपोजिट किया दूसरी जगह सैंड ड्यून बन गया, ऐसा है ना। तो दीज आर बेसिकली सैंड ड्यून्स ओनली, तो इसे हम एओलियन सॉइल कहते हैं, ठीक है, लिखिए। अब एक तरह का सॉइल और हम डिस्कस करते हैं, इसमें डेजर्ट में ही ये सॉइल भी मिलती है, सुनिएगा। यहाँ पे एक फोटो मैंने लगा के रखा है, आप इस फोटो को देखिए। ये जो सॉइल होती है ना ये भी विंड के कारण ही डिपॉजिट की जाती है, लेकिन इस तरह से, लेकिन फ्लैट होती है। सैंड ड्यून कैसे होती है, इस तरह से सैंड ड्यून हुआ करती थी, लेकिन ये फ्लैट होती है, इस तरह से फ्लैट होती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे समतल समतल है, लगभग अप्रोक्सीमेटली फ्लैट टेरेन है ये, लेकिन यहाँ पे सैंड नहीं होती, दिस इज बेसिकली विंड ब्लोन सिल्ट। सिल्ट जो है वो आके डिपोजिट होता है, इधर क्या होती है, सिल्ट का डिपोजिशन होता है, समझ में आ रहा। सिल्ट एक अलग टाइप ऑफ सॉइल, इसके ऊपर आएंगे हम, है ना, सिल्ट के ऊपर आएंगे आगे चल के, कुछ टर्म हो सकते हैं अभी चूंकि स्टार्ट हो रहा है, चीजें आपको उतना क्लियर कट अंडरस्टूड नहीं होंगे, लेकिन यकीन मानिए धीरे 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 सारे टर्म सब कुछ आपको जब क्लास खत्म होगा अंत तक सॉइल मैकेनिक्स सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिल्ट में ना एक प्रॉपर्टी होती है कोहेजन, जिसके कारण उसमें सीयर स्ट्रेंथ होता है, समझ में आ रहा है। बेसिकली सिल्ट में बेसिकली जो सीयर स्ट्रेंथ का अलग एक चैप्टर है वो देखेंगे हम। सिल्ट के केस में सीयर स्ट्रेंथ बेसिकली दो चीजों से आती है, फ्रिक्शन के कारण, कोहेजन के कारण, और एक होता है क्ले, उसमें जो सीयर स्ट्रेंथ आती है वो बेसिकली कोहेजन के लिए आता है। इसमें कोहेजन के लिए भी है और फ्रिक्शन के कारण भी सीयर स्ट्रेंथ आती है ना। इन सब चीजों को और हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कोहेजन होती है,
बट ये देखो, जब सिल्ट का डिपोजिशन करता है कौन कर रहा है? सिल्ट का डिपोजिशन विंड कर रहा है, हवा। सिल्ट का डिपोजिशन कौन कर रहा है? हवा। जब सिल्ट का डिपोजिशन करता है ये फ्लैट रीजन में वहां पे, तो ये डिपोजिशन ऐसा नहीं कि पूरा होमोजेनियस वे में हो रहा है, नॉन होमोजेनियस वे में होता है। मतलब कहीं कहीं डिपोजिशन हुआ, इधर डिपोजिशन हुआ, लेकिन बीच में एक गैप रह गया, मतलब एक होल जैसा रह गया, है ना। फिर यहाँ पे मिट्टी है ऐसा, फिर इधर एक होल है, फिर इधर मिट्टी है, इधर होल है, ऐसा इस तरह से डिपोजिशन होती है इसकी, समझ में आ रहा। तो ये छोटे छोटे होल्स उसमें रहते हैं, होल्स, ये छोटे छोटे होल्स रहते हैं। अब वो होल्स हैं मतलब वो खाली है, यहाँ पे अभी एयर है मान के चलो, अभी क्या है? एयर है मान के चलो, समझ में आ रहा। ये होल्स कैसा, आप इमेजिन करिए, जैसे चूहे अपना बिल नहीं बना देते हैं जमीन के अंदर, कहीं क्रॉस सेक्शन देखो कहाँ, जहां पर चूहा बिल बनाया हुआ है वहां पे देखो कैसे कैसे छोटे 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 छेद होते हैं, उसी तरह से ये छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना। अब इनके कारण एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है इस मिट्टी में, जो मिट्टी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये आती है। अभी जैसे मान लो एयर है, होल है, एयर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में आप अगर इस पे इसके ऊपर चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल लोगे, सब कुछ ढंग से चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ना जमीन धसेगी, कुछ नहीं होगा। बट मान लो इसका वाटर कंटेंट बढ़ गया, वाटर कंटेंट जैसे ही बढ़ जाएगा तब उसमें क्या होगा, ये होल्स वगैरह सब में पानी चले जाएगा, पानी चले जाएगा, उसके बाद जैसे इस पे लोड लगेगी या फिर मतलब आप जैसे इसके ऊपर चलोगे उस वक्त वो धसने लगेगा, कोलैप्स हो जाएगी, है ना। सो ये हो जाती है क्या? कोलैप्स, इट विल कोलैप्स। और ये होल्स के कारण बेसिकली होती है कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स होगी कब? व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ दिस सॉइल, जो सॉइल का हम बात कर रहे हैं, जिस सॉइल का हम बात कर रहे हैं उसी सॉइल का, व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, जब बढ़ेगा तो ये सॉइल हो जाएगी कोलैप्स। इसलिए कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, नरम हो जाएगी इसलिए आप जैसे उस पर चलोगे धंसने लगेगा, दलदल जैसा कुछ, है ना। दलदल का कॉन्सेप्ट वैसे भी अलग है, हम आगे चल के और बात करेंगे। तो उस तरह से ही धसने लगेगा, आपको फीलिंग दिलवाने के लिए मैंने बात किया था कि उस तरह से धसने लगेगा, है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है और जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ी है वो कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि जो डिपोजिशन हुई है उसमें इस तरह से होल्स थे पहले, समझ में आ रहा है। इस तरह का जो सॉइल होता है इसे हम लॉसेस कहते हैं, है ना, लॉसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉसेस। तो ये बेसिकली क्या है? विंड ब्लोन सिल्ट। ये भी आपको डेजर्ट वाले इलाके में मिलेंगे, जैसे अपना जो राजस्थान में जैसलमेर वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका, वो सब इलाके में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। जो बंदा उस इलाके से है वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा होगा, वो देखे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना। जो नहीं है आप भी समझ गए कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 7th नंबर सॉइल एंटर करते हैं, तो ये क्या था? 7th नंबर लॉसेस सॉइल, जो जिसका भी क्या है एजेंट क्या है? विंड। और ये भी डेजर्ट में मिलेगा। इसमें कुछ और नोट पॉइंट अगर हमको लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इट इज बेसिकली विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट। इससे पहले वाला भी विंड के कारण था, लेकिन उसमें बेसिकली जो थी पार्टिकल्स वो थी सैंड की पार्टिकल्स। सैंड में कोहेजन नहीं होता, सैंड में कोहेजन नहीं होता, सैंड में बेसिकली क्या होता है? फ्रिक्शन, मतलब सीयर स्ट्रेंथ, जो सैंड का स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली उसके फ्रिक्शन के कारण होता है, इंटरलॉकिंग के कारण होता है। सैंड ग्रेन्स एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं जिस कारण से उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा, है ना, बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ ना, बहुत बेसिक, एकदम जीरो लेवल से, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आप नहीं समझ पाओगे, सब चीज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मैंने और बताया कि एज वाटर कंटेंट। अब ये वाटर कंटेंट क्या है ये भी आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जब बताऊंगा तब, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि जैसे उसमें पानी आ गया, सॉइल में पानी भरने लगा, है ना, जो सॉइल के खाली स्पेसेस थे, होल्स थे बड़े बड़े, उसमें पानी आने लगे। तो एज वाटर कंटेंट डब्ल्यू सी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, है ना, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड कोलैप्सिबल। ये जो कोलैप्सिबल टर्म मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में भी फिर आगे और बात करेंगे। आप इसको ऐसे एक शब्द और जोड़ सकते हैं इसमें, कंप्रेसिबिलिटी,
कंप्रेसिबल, ये ज्यादा कंप्रेसिबल बन जाती है ना, कंप्रेस हो जाती है, वो दब रही है मतलब कंप्रेस हो रही है, कोई भी चीज दबती है मतलब कंप्रेस हो रही है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, या फिर वो कंप्रेस कंप्रेस होके वो कोलैप्स हो जाती है, समझ में आ रहा है, कंप्रेस होके वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है जिस कारण से वो फिर कोलैप्स हो जाती है। ये टर्म और एक जगह आएगा, सॉइल स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे, किसके बाद, सॉइल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का एक चैप्टर है, मैंने आपको लिखवाया था क्ले मिनरल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, इसके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तब ये टर्म फिर से आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, हनीकम स्ट्रक्चर, तो ये टर्म कोलैप्सिबिलिटी आपको और ढंग से विजुअलाइज हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या, है ना। तो पेशेंस, बस अभी समझते चलिए। एक चीज यहां पे देखो, अब तक जो हमने सॉइल का डिस्कशन किया है, ये जो सात अलग अलग तरह के सॉइल का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसमें जो एजेंट थे वो कहीं ना कहीं कोई फिजिकल एजेंट, कोई ना कोई फिजिकल एजेंट था, सारा का सारा जो एजेंट था, देखो कहीं विंड है, यहाँ पे विंड है, ग्रेविटी है, आइस है, रनिंग वाटर है, सारे फिजिकल एजेंट है, ग्रेविटी है, फिजिकल चीज है। तो ये सारे जो सॉइल्स का मैंने नाम लिखवाया, दिस सॉइल्स बेसिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकली वेदर्ड सॉइल। कहीं ना कहीं ये सारे सॉइल किस तरह के सॉइल है, फिजिकली वेदर्ड सॉइल, इसके कैटेगरी में ये आ जाते हैं, समझ में आ गया, किस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिजिकली वेदर सॉइल के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरह का सॉइल और सुनिए, पॉइंट नंबर 8, ये क्या है, अंडमान निकोबार, देखो आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप, ये सब जो आइलैंड ग्रुप है वहां पे, आइलैंड्स पे, है ना, वहां पे इमेजिन करो क्या हो रहा है, चारों बगल क्या है, समंदर, इमेजिन करती थी, चारों चारों बगल क्या है, समंदर है, मैं दिखाई देता हूँ तब ज्यादा विजुअलाइज होगा, ये आइलैंड्स है ना, और इसके चारों बगल क्या है, पानी पानी, एकदम पूरा समंदर है ना, पूरा का पूरा क्या है, समंदर है। अब होगा क्या, समंदर में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे पत्ते हैं, समंदर के अंदर भी रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, प्लस समंदर के अंदर और क्या रहते हैं, जीव जंतु, मछलियां वगैरह देखते ही हो, क्या ये अनंत काल तक जीवित रहते हैं, नहीं, इनका भी एक समय सीमा है, उसके बाद राम जी को पधारे, है ना, तो जय श्री राम कहने का होता है, तो वही चीज है, तो ये लोग जब मरेंगे, जब भी मतलब जीव जंतु कोई भी मर गया समंदर के अंदर, या फिर पेड़ पौधा जब मर गया, तो जो वाटर है ना, जो समुद्री पानी है, वो उनको धीरे धीरे फ्लोट करवा के, या फिर वो जो मरने के बाद चीज वैसे भी हल्का हो जाता है, तो फ्लोट कर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना, डेंसिटी वगैरह क्या है ये सब चीज भी आगे डिस्कस करेंगे, सॉइल का डेंसिटी, तो उसका घनत्व कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया, इसलिए वो फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर, फ्लोट करते 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 अपने आप फ्लोट करते 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 आएगी ये आईलैंड के पास आके जमा होने लगेगी धीरे धीरे, है ना, इनके पास वो सारे डेड डेड बॉडीज, सारा कुछ सब चीज वो आके धीरे धीरे इन आईलैंड के आसपास जमा होने लगेंगे, जब ये जमा होंगे तो क्या होगा, जमा होने के बाद धीरे धीरे उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, देखते हो कोई भी जमीन पर कुछ भी कोई मर जाता है, चूहा हुआ, वो अपने आप सड़ने गलने लगता है, डिकम्पोज हो जाता है और धीरे धीरे सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना, सॉइल में ही अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है, तो एक तरह का यहाँ पे केमिकल एक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या हो गया, केमिकल एक्शन हो गया, है ना। एक चीज देखियो, सॉइल के अंदर मान लो कोई जीव जंतु मर उड़ गया है, तो उसका हड्डी सालों साल तक डिकम्पोज नहीं होता, हड्डी जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो इस तरह का सॉइल, चूंकि वो डेड बॉडी वगैरह का डिकम्पोजिशन होने के कारण बना है, एनिमल फीस वगैरह बहुत सारा कुछ का डिकम्पोजिशन होने के कारण बना है, तो इसमें हड्डियां भी मिलती है ना, तो हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये काफी, जब डिकम्पोजिशन होती है ये काफी फाइन भी होती है, तो ये जो सॉइल एक तरह का बना है, ये एक तरह का फाइन ग्रेन सॉइल होता है, मिनरल रिच भी होगा, ठीक है, प्लस डिकम्पोजिशन हुआ है, और चूंकि हड्डी वगैरह कैल्शियम भी होगा इसमें ज्यादा, लेकिन जो मिनरल्स हैं और अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो भी ज्यादा होंगे, समझ में आ रहा है, न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी ज्यादा होगा, तो इस तरह का जो सॉइल होता है इसको हम बोलते हैं मार्ल सॉइल, क्या बोलते हैं, मार्ल सॉइल, मार्ल सॉइल। इसमें बेसिकली ये क्या हुआ, इट इज केमिकल, केमिकली वेदर्ड सॉइल, है ना, केमिकल वेदरिंग हुई इसकी, केमिकल वेदरिंग हुई है, केमिकल वेदरिंग हुई है, इससे पहले हमने फिजिकल वेदरिंग वाले सारे कुछ देखे थे, ये बेसिकली
इसमें नोट लिखेंगे तो ये मेराइन ओरिजिन होता है इसका, इसका भी जो ओरिजिन है वो मेराइन ही है, मेराइन ओरिजिन। ये फाइन ग्रेन होते हैं, काफी फाइन ग्रेन होते हैं, ठीक है। इसका जो कलर होता है थोड़ा व्हाइटिस होता है, क्यों, हड्डी वगैरह मैंने बोला था, हड्डी है ना, तो थोड़ा व्हाइटिस कलर, WHITESH, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग को, व्हाइटेस है ना, TEISH, TEISH, थोड़ा व्हाइटिस कलर होता है, व्हाइटिस इन कलर ड्यू टू एनिमल बोन्स। समझ आ रहा है? और ये फाइन ग्रेन सॉइल है, ये जो सॉइल होती है इसको हम बोलते हैं मार्ल सॉइल, क्लियर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वॉल्केनो। देखो हमारे यहाँ पे वॉल्केनो, ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो तो है नहीं, है ना, लेकिन अंडमान निकोबार में कुछ बैरन आइलैंड वगैरह में कुछ वॉल्केनोस है, ठीक है, लेकिन वो अभी अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन आप ऐसा वॉल्केनो सोचिए जो कि एक्टिव होता और वो बार बार वो फूट फूट के ब्रश करके निकलता, तो वॉल्केनो से जब ब्रश करके निकल रहा है तो उसमें क्या निकल रही, वॉल्केनिक एसेस है ना, तो ये जो एसेस निकल रही वो बेसिकली केमिकल वेदरिंग का ही नतीजा है। तो ये वॉल्केनो जब ब्रश किया तो वॉल्केनिक एसेस निकला, है ना, तो यहाँ पे मैं एक वॉल्केनो आपको दिखा रहा हूँ, कि आपका एक वॉल्केनो है, ठीक है, दिस इज योर वॉल्केनो, और ये वॉल्केनो कर गई ब्रस्ट, फट गई, ये वॉल्केनो कर गई ब्रस्ट, फट गई। तो ये जब वॉल्केनो फटेगी तो दो पॉसिबिलिटी है, जो वॉल्केनिक एस है, किसका बात कर रहा हूं, वॉल्केनिक, वॉल्केनिक एस है ना, जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, वॉल्केनो जब फटेगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, तो जो वॉल्केनिक एस है वो वॉल्केनिक एस में अब दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, या फिर वो वॉल्केनिक एस किसी एक मीडियम के माध्यम से, कोई एक ट्रांसपोर्ट एजेंट के माध्यम से, विंड हो गया और कुछ हो गया, या फिर जो फटा उस फोर्स के कारण, है ना, फिर हवा में गया, हवा में फिर विंड और आगे लेके चला गया, ऐसा कुछ मीडियम की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो ये वॉल्केनिक एस में भी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, समझ में आ रहा है, या फिर ये वॉल्केनिक गैस फटने के बाद धीरे धीरे नीचे गया, नीचे गिरा और यहीं पर कहीं पर डिपॉजिट होने लगे, है ना, यहां पर कहीं पर डिपॉजिट होने लगे, तो दो अलग अलग तरह का सॉइल बन जाएगा इसी वॉल्केनिक गैस से। तो कौन कौन सा बनता है, पहला जब ट्रांसपोर्ट हुआ है तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो सॉइल बनती है उसे हम बोलते हैं टफ सॉइल। मैं यहां पर लिखता हूं अपना 9th नंबर सॉइल, ठीक है, टफ सॉइल, TU-FF soil, इसे हम कहते हैं टफ सॉइल। टफ सॉइल बेसिकली क्या है, ये भी केमिकल वेदरिंग का ही है ना, यहाँ पे आप लिख लो, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिजल्ट ऑफ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आप टेबल में कंप्लीट करना, केमिकल एक्शन के कारण ही है, वॉल्केनो में पूरा केमिकल एक्शन हुआ, केमिकल वेदरिंग का ही नतीजा है ये वॉल्केनिक गैस, है ना, केमिकल वेदरिंग, दिस इज वॉट, ट्रांसपोर्टेड वॉल्केनिक गैस, ट्रांसपोर्टेड वॉल्केनिक एस, समझ गए बात को, है ना, दिस इज योर टफ सॉइल। दूसरा मैंने क्या बोला, सेम प्लेस पे डिपॉजिट हो गया, वॉल्केनो के आसपास ही जमा हो गए, तो ये जो सॉइल होती है ना इसका एक स्पेशल नेम है, दैट इज योर बेंटोनाइट सॉइल। आपने बेसिकली नाम सुना होगा बेंटोनाइट क्ले, तो ये जो सॉइल होते हैं ये बेसिकली फाइन ग्रेन भी होते हैं, है ना, तो ये फाइन ग्रेन नेचर की भी होते हैं, केमिकल वेदरिंग से बने हैं। तो वॉल्केनिक एस, अगर जब वॉल्केनिक एस निकला, वॉल्केनो जब ब्रश किया, वॉल्केनिक एस निकला, ट्रांसपोर्ट हो गया, तब तक टफ सॉइल, अगर सेम लोकेशन पे जमा हो गया अगल बगल, तब बेंटोनाइट सॉइल। जो बेंटोनाइट सॉइल होती है, ठीक है, ये रेसिडुअल सॉइल होती है एक तरह, है ना, रेसिडुअल सॉइल, सेम लोकेशन पे जमा होने वाला जो सॉइल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। और बेंटोनाइट सॉइल क्या हो रहा है, वोल्केनिक एस जो निकल रही है वो सेम लोकेशन पे जमा हो जा रही है, तो ये रेसिडुअल नेचर की होती है, केमिकल वेदरिंग ही इसका रिजल्ट भी है, केमिकल वेदरिंग के कारण ही हो रही है, बट इट इज रेसिडुअल इन नेचर, ट्रांसपोर्टेड इन नेचर इज टफ सॉइल, रेसिडुअल इन नेचर इज बेंटोनाइट सॉइल। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ अलग से बताता हूँ।
ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। देखिए तो 10वां नंबर सॉइल जो अपना है वो क्या डालेंगे, बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। ये भी केमिकल वेदरिंग के कारण हुआ है, केमिकल वेदरिंग के कारण हुआ है, ओके। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखेंगे और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जो बेंटोनाइट सॉइल होती है ना, ये एक तो रेसिडुअल ओरिजिन होती है, रेसिडुअल, रेसिडुअल इन नेचर, है ना, वोल्केनिक एस से बनी है, एसएस से बनी है। ये जो सॉइल होती है हाईली प्लास्टिक होती है, ये प्लास्टिसिटी क्या है आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी ध्यान रखो ये हाईली प्लास्टिक होती है, इसका आईपी का वैल्यू ज्यादा होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल के एक चीज होती है, उसकी आईपी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, 300 से 400% होती है बेंटोनाइट सॉइल का, है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये सब चीज आगे आएगा, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से, आईपी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है इसका, इसलिए इसका ये हाईली प्लास्टिक होती है। अब ये हाईली प्लास्टिक जो होती है इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो कोई सॉइल अगर प्लास्टिक है ना तब आप उससे कुछ भी चीज बना सकते हो, जैसे सॉइल का जो मिट्टी का बर्तन वगैरह है वो जो हम बना पाते हैं, है ना, मटका वगैरह, बेसिकली वो सॉइल का यही प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, जिस कारण से सॉइल एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है और अच्छे से उसको आप बहुत पतले से पतले थ्रेड में भी रोल कर सकते हो सॉइल को, इसलिए हम उन सब चीजों को बना पाते हैं, ये वही प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है सॉइल का, जिस कारण से हम वो सब चीज कर पाते हैं, समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारी चीज इसमें प्लास्टिसिटी को जब हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, है ना, यही आपका यही वाला चैप्टर में, इंडेक्स प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में ही हम प्लास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिसिटी इन सॉइल जब होता है तो बेसिकली उसमें इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो क्ले मिनरल्स हैं, क्ले मिनरल्स, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और खास करके एक टाइप ऑफ क्ले मिनरल है, उसका नाम याद रखना, मॉन्ट मोरोलोनाइट, मॉन्ट मोरोलोनाइट। हम पढ़ेंगे एक एक क्ले मिनरल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, पूरा आपको मतलब दिमाग में पूरा घुस जाएगा कैसे बनता है सब चीज बेसिक, लेकिन यहाँ पे चूंकि नोट आ गई तो आपकी कॉपी में रहेगी तो ढंग से रहेगी, चीज अच्छी रहेगी। मॉन्ट मोरोलो नाइट में बेसिकली वाटर बॉन्ड होती है, ये भी ध्यान रखना, वाटर बॉन्ड होती है, ये वाटर बॉन्ड बहुत कमजोर होती है, टूट जाती है जल्दी से, है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए ध्यान में रखना अभी से। मॉन्ट मोरोलो नाइट जो क्ले मिनरल होती है इसके स्ट्रक्चर में वाटर बॉन्ड होती है ना, क्या होती है सब कुछ आगे डिटेल में देखेंगे तभी अच्छे से और समझ में आएगा। आगे बात करता हूं इस बेंटोनाइट सॉइल के बारे में, तो क्या बताया जाए, बेंटोनाइट सॉइल एक ऐसी सॉइल है जो कि हाईली, इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी दोनों ज्यादा होती है, ठीक है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बोथ आर हाई, श्रिंकेज ऑफ सॉइल इज हाई। क्या मतलब इसका, देखो इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, स्वेलिंग मतलब फूल जाना, फूल जाना कब, जब पानी में वाटर कंटेंट डालोगे, वाटर मतलब पानी में वाटर बढ़ाओगे, है ना, मतलब सॉइल का जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। स्वेलिंग का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो कि सॉइल में जब वाटर कंटेंट बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज योर स्वेलिंग, और एट द सेम टाइम जब सॉइल की वाटर कंटेंट कम हो रही है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, दैट प्रॉपर्टी इज योर श्रिंकेज। बहुत डिटेल डिस्कशन होगा स्वेलिंग श्रिंकेज के ऊपर, है ना, श्रिंकेज रेशियो वगैरह मैं उसका डेरिवेशन करवाऊंगा आपको, बड़ा ढंग से आपको समझ में आएगा, है ना। बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि जो बेंटोनाइट सॉइल होती है उसकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी दोनों हाई होती है, ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। अब एक चीज बताता हूं मैं, इसका एक फायदा है, इसका हम बेसिकली एक जगह पे यूज भी करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, एक मतलब कॉमर्शियल एप्लीकेशन है इस सॉइल का, बताता हूं। देखो होता क्या है ना, मान लो तेल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, तेल निकाल रहे हो, तेल निकालने के लिए हमें बहुत गहरा ड्रिल करना पड़ता है कि नहीं,
तो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल करते चलोगे किधर, जमीन के अंदर ड्रिल करोगे तो रॉक वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना सब चीज आता है। तो जो ड्रिलिंग हेड है ना, जो ड्रिल कर रहा है, ठीक है, तो वो रॉक वगैरह के कांटेक्ट में जब आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो ये इसका एब्रेशन होगा, ये मटेरियल जल्दी खराब हो जाएगी, ये ड्रिल मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। तो बार 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 आपको ड्रिलिंग हेड चेंज करना पड़ता है, समझ में आ रहा बात, बार बार आपको ड्रिलिंग हेड चेंज करना पड़ता है। लेकिन लेकिन मान लो ये आपका क्या है, वो बोर है जहां आप ड्रिल करोगे, तो यहाँ पे रॉक वगैरह है, ये सब रॉक वगैरह है मान लो, तो ये आपका ड्रिलिंग हेड, ठीक है, तो ये कांटेक्ट में आएगी रॉक वगैरह से, तो जिस कारण से ये जल्दी खराब हो सकता था। हम क्या करते हैं, ये जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट सॉइल जो भी होता है, बेंटोनाइट क्ले मान लो, बेंटोनाइट क्ले, बेंटोनाइट क्ले, बेंटोनाइट क्ले है अपने पास, इसका स्लरी बनाते हैं, इसमें और थोड़ा पानी मिक्स करते हैं और इसका स्लरी बनाते हैं, और स्लरी बना के हम क्या करेंगे, इस बोर में डाल देते हैं, क्योंकि ये हाईली प्लास्टिक है, इसका स्लरी बना के जब हम बोर में डाल देते हैं तो ये एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है, इट एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट, ये एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है। तो एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है मतलब वो जो फ्रिक्शन है, जैसे ग्रीस नहीं लगाते हो यार फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो सेम चीज है इसका, ल्यूब्रिकेंट के जैसा वो काम कर रहा है तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो इसका जो एक मेजर एप्लीकेशन है वो कहां पर है, इट इज यूज्ड इन ड्रिल बोर एज ल्यूब्रिकेंट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पॉइंट ध्यान रखना, आईएएस में पूछा हुआ था ये चीज, तो इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करेंगे। ये तो सस्ते में अवेलेबल है यार बेंटोनाइट क्ले, इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज कर दिया, इकोनॉमी अचीव होता है, व्हाट वी अचीव, इकोनॉमी, अपना जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है ये सस्ता हो जाता है ना, होगा बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेंटोनाइट सॉइल, ये सब की पॉइंट्स उससे रिलेटेड आप ध्यान रखना, आगे चल के ये बहुत बार आएगा, रिपीट होगा, बहुत सारे टेबल्स हैं जिसमें ये सॉइल का नाम आएगा, इसका लिक्विड लिमिट क्या होता है, इसका प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, सब चीज बहुत सारा टेबल्स में आएगा इसका नाम, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर वाले क्ले मिनरल वाले चैप्टर में हर जगह आएगा इसका नाम, है ना, तो ध्यान रखना है, बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट क्ले, ये वैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, ओके, केमिकल वेदरिंग के कारण ही ये बना है, ओके। वॉल्केनिक ऐश जो है वो रेसिडुअल नेचर का होता है, जो मतलब वॉल्केनिक ऐश सेम जगह पे जहाँ पे वॉल्केनो फटा उधर ही जमा हो गया, इस कारण से वो सॉइल बनी है। बढ़ते हैं अब, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज योर, वो बहुत ही अच्छा तो नहीं, बहुत ही फेमस सॉइल है, जिसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये बहुत ही फेमस सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल, ये पूरा साउथ इंडिया, महाराष्ट्र साउथ इंडिया वाले इलाके में ये सॉइल पाई जाती है, इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ब्लैक सॉइल तो और भी अलग अलग सॉइल हो सकते हैं ब्लैक काले रंग का, बट ये जो सॉइल है स्पेशली इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि कपास के खेती के लिए ना आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये सॉइल का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा रिटेन हो सकता है, ज्यादा रिटेन हो सकता है, ये पानी को ज्यादा होल्ड कर सकता है लंबे समय तक, और कपास की खेती में आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने डेल्टा लिखवाया फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, तो वहां पे देखें कॉटन का डेल्टा सबसे ज्यादा है ये, तो इस सॉइल में कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। अब ये फेमस क्यों है, फेमस इन दिस सेंस कि देखिए हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ये सॉइल में जितने भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, अवगुण, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे के सारे नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कहने का मतलब है, जैसा कि एक पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा होल्ड कर सकती है ये सॉइल, मतलब इसमें वॉइड ज्यादा है, वॉइड ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा होल्ड कर पाएगी, मतलब कंप्रेसिबल ज्यादा है, इसकी श्रिंकेज ज्यादा होती है, स्वेलिंग ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो सोचिए कंप्रेसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या होगा। ये मान लो अभी सॉइल है,
ठीक है, अब कितना भी कॉम्पैक्शन उसको कर देंगे ना, वो कोई काम का नहीं होता है। हमने एक साइट का वीडियो भी बनाया था, हम जब साइट पे थे, जब एक्सकवेशन कर रहे थे, है ना, मतलब रेलवे साइट पे मिट्टी हमको काटना था, ओके, कटिंग करना था, कटिंग सेक्शन थी, तो कटिंग सेक्शन में कटिंग कर रहे थे, बीच में ब्लैक कॉटन सॉइल आ गई। स्पेशली रिकमेंडेड कि ब्लैक कॉटन सॉइल जहां पर भी आ जाएगी, वो जगह को पूरा काट के वो मिट्टी को बाहर निकालो, फेंको रे, फेंकने के बाद वहां पे अच्छा मिट्टी भरो, फिर कॉम्पैक्शन करो। और ये नहीं कि थोड़ा 300 400 मीटर का लेयर काट दिया, नहीं नहीं अगर पूरे इलाके में ब्लैक कॉटन सॉइल ही है और कटिंग सेक्शन है, तो जो आपका फॉर्मेशन लेवल होता है वहां से वो अलग अलग रिकमेंडेशन आती है। लेकिन हमारे पास जो रिकमेंडेशन थी, 1.5 मीटर काट के निकाल के फिर 1.5 मीटर का एक बॉक्स बना, उसमें फिर हमने अच्छा मिट्टी को भरा, फिर उसको रोलिंग किया और फॉर्मेशन लेवल अचीव किया। वहां पे कंप्रेसिबल है, ये दब जाती है, दबने के कारण सेटलमेंट हो जाएगी। सेटलमेंट हो जाएगी तो आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंशियल क्रैक्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, फाउंडेशन फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लोड को ये बियर नहीं कर सकता। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सारे कुछ इसमें है ब्लैक सॉइल के अंदर। समझ आ रहा है? इसलिए ये फेमस सॉइल है, इंटरव्यू वगैरह में बहुत इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी पूछेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे, सिंपली आपको यही बताना है, वहां से मिट्टी निकाल देंगे, अच्छा मिट्टी भरेंगे एक पर्टिकुलर डेप्थ का, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिखिए इसके बारे में कितना कहानी लिखेंगे उतना कम है ना, जितना भी आप लिखोगे उतना कम है। अब सब कुछ इसका बेकार ही होता है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा अवगुण भरा हुआ है। लिखिए, इट हैव ऑल नेगेटिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हाई स्वेलिंग होती है इसमें, हाई श्रिंकेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल ऑल्सो, हाई प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिसिटी भी हाई हाई होता है। अभी हाई प्लास्टिसिटी में इसमें लिख लीजिए मॉन्ट बोरोलोनाइट। अब ये मॉन्ट बोरोलोनाइट क्या है, ये जब हम क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में आपको समझ में आएगा, मॉन्ट मोरोलोनाइट। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि मॉन्ट मोरोलोनाइट एक तरह का क्ले मिनरल होता है, और ये क्ले मिनरल अगर क्ले में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, ये एक तरह का फाइन ग्रेन सॉइल है। इट इज टाइप ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। एक चीज और आप ध्यान रखिए, देखिए जनरली होता ये है ना, जितने भी फाइन ग्रेन सॉइल हैं वो सारे केमिकल वेदरिंग के कारण बनते हैं, है ना। फाइन ग्रेन सॉइल्स आर रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, जनरली सारे के सारे केमिकल वेदरिंग से जो भी सॉइल बनता है वो फाइन ग्रेन होता है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है तो कहीं ना कहीं केमिकल वेदरिंग से ही बनी है। अब ये किस चीज की केमिकल वेदरिंग से बनती है, बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। बेसाल्ट रॉक केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, क्योंकि ये पाई जाती है आपके साउथ इंडिया और महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो वो एक पठार है, प्लेट्यू है, तो वो प्लेट्यू है वो, उसमें वहां पे बसाल्ट रॉक ज्यादा मिलता है, तो उनका जब केमिकल वेदरिंग होता है तब जाके ये ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है ना। जनरली ब्लैक इन कलर होता है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इनकी हाई होती है। जिस फाइन है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड इश्यू जो होगा, आगे चल के हम बात करेंगे वर्ल्ड इश्यू क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिए जनरली फाइन सॉइल जो होती है उसमें वर्ल्ड इश्यू हाई होती है। तो वर्ल्ड इश्यू हाई है तो मतलब पोर्स ज्यादा है इसमें, अगर पोर्स इसमें ज्यादा है तो ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है। अगर ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है बट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, क्योंकि वॉइड ज्यादा है तो दबेगा भी ज्यादा। क्या है आगे और अच्छे ढंग से विजुअलाइज होगा, लेकिन अभी के लिए ये समझिए इतना, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स कनेक्ट होना चाहिए। तो हाई श्रिंकेज है, हाईली कंप्रेसिबल है, एंड हाई प्लास्टिक ऑल्सो। मॉन्ट बोरोलोनाइट जो क्ले मिनरल है ना, इसके कारण हाई प्लास्टिसिटी आती है। इसमें भी अलग अलग वेरिएंट है, सोडियम पोटासियम सब चीज डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, अभी नहीं, क्ले मिनरल वाले चैप्टर के अंदर वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वाटर बॉन्ड होती है, जो कि सबसे कमजोर बॉन्ड होती है, वो वाटर बॉन्ड मॉन्ट मोरोलोनाइट में पाई जाती है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। क्रैक इन समर सीजन ड्यू टू श्रिंकेज। लेक वगैरह देखो, मतलब ये लेक छोड़ो यार, कभी देखो सॉइल फट गया है, जब अधिक सूखा पड़ता है, अधिक मतलब समर हो गया, अधिक ड्राई हो गया, तो सॉइल ना फट जाएगा ये, और गंदा फटता है। क्रैक देखो, क्रैक का साइज 100 mm से लेकर 150 mm, 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, इतने बड़े बड़े ऐसे चौड़े चौड़े फट जाएंगे ये,
बताओ इतना बड़ा क्रैक आएगा तो इसमें कौन कंस्ट्रक्शन करेगा? कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बेकार चीज है। सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इसका इतना कम होता है कि मत पूछिए। सीयर स्ट्रेंथ क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर है। इसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लो, इट हैव ऑल्सो लेस बियरिंग कैपेसिटी, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी। मतलब जो भी आप इस पे फाउंडेशन बनाएंगे उस फाउंडेशन के लोड को वो अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसको उस लोड को बियर ही नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चर लोडिंग को, बियरिंग कैपेसिटी, उस लोडिंग को वो झेल नहीं पाएगा, बियरिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? वो बहुत कम होता है। वो हमारी बेटी उठ गई थी, ठीक है, उसको अपने सिस्टम बना दिया, उसका मम्मी के पास भेज दिए। कोई बात नहीं, खेलने का तो मन है बट क्लास लेना है। अभी देखो इतना तक देखे, क्रैक बहुत ज्यादा हो सकता है, सीयर स्ट्रेंथ बहुत कम, बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम, कुछ भी अच्छा पॉइंट है इसमें? कुछ भी अच्छा पॉइंट नहीं होता है। ये सॉइल को हम ना सब जगह एग्जाम्पल ठोकेंगे इसका, पूरा जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब जगह एग्जाम्पल इसको देंगे, ये बेकार है, हर एक चैप्टर में बोलेंगे, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी लिखवा दिया ऊपर ऊपर सारा का सारा पॉइंट, की पॉइंट्स आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक बात और लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंसिव सॉइल। मैं कुछ प्रॉपर्टीज आगे समझाऊंगा, जैसे कि बोल रहा हूँ अभी स्टार्टिंग ही है, तो बहुत सारे टर्म ऐसे यूज होंगे जो आपको आगे समझ में आएंगे, है ना? तो अभी के लिए इसमें नोट डाउन करके रखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंसिव सॉइल। देखेंगे प्रॉपर्टी समझाने के बाद, इंडेक्स प्रॉपर्टी जब बताऊंगा फिर वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आप, इतना यकीन करिए। नहीं तो इससे पहले जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाया है आप वो पढ़ लीजिए, फिर आके इसको पढ़ना, आपको लगे हाँ सारा का सारा समझ में आ जाएगा बाद में। ये जनरली साउथ इंडिया महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, पावर ऑफ हो गई है ना, इसलिए हमने अपना फेस ऑफ कर लिया वीडियो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये था आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके अब और एक तरह का सॉइल होता है, उसको समझिए वो क्या होता है। देखो पहले समझा रहा हूं, ये देखो इंडिया ऐसा है, इंडिया का लोअर हिस्से को देखो और नॉर्थ ईस्ट को देखो, तो यहाँ पे माउंटेन्स है, पहाड़ है ना, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, डब्ल्यू जी, इसे बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स, है ना, ईस्टर्न घाट इसे बोलते हैं। प्लस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बहुत सारे माउंटेन्स है, जैसे गारो, खासी, जयंता, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय वगैरह है। तब जब मानसून आती है ना, तो अपने साथ क्या वो बादल वादल लेके आएगी, तो जो क्लाउड्स आते हैं तो क्लाउड्स को क्या करता है, ये जो पहाड़ है, पहाड़ चूंकि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना, जैसे इतना ऐसे ऊंचे पहाड़ है, तो ये बादल आ गई, तो बादल आगे नहीं जा पाती है, ये क्लाउड है तो ये पहाड़ बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बादल आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए ये क्या होगी, ये बादल ऊपर जाएगी धीरे धीरे। जब ऊपर जाएगी तब क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन वगैरह होने के बाद वहां से आपको मालूम है अमृत की धारा बरसेगी, है ना, रेनफॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून। और इस तरह का रेनफॉल को भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी में पढ़े हो, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसमें माउंटेन इज एक्टिंग एज ए बैरियर। समझ में आ रहा है? तो रेनफॉल हुई, तो जब ये रेनफॉल होगी मूसलाधार बारिश है, जबरदस्त बारिश, मानसून में तो होता ही एकदम मस्त टाइप का, तब जब ये बारिश होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट मिट्टी है ना, सुनो बात को, होता क्या है, जो पहले से कुछ ना कुछ तो मिट्टी होगा ना भाई पहले से, तो जो पहले से प्रेजेंट मिट्टी होता है उसमें बेसिकली एक तरह का सॉल्ट होता है, सिलिका बेस्ड सॉल्ट, है ना, सिलिका बेस्ड सॉल्ट होता है, सिलिका, क्या बता रहा हूं, सिलिका बेस्ड सॉल्ट, ठीक है। ये जो चीज होती है सॉइल के अंदर, इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये पानी के साथ घुल मिल जाता है अच्छे से, पानी के साथ क्या होगा, घुल मिल जाएगा, तो ये पहाड़ों में वगैरह में जो मिट्टी है वगैरह वगैरह उस पे जब पानी गिरेगी, रेनफॉल आती है, तो जो सिलिका बेस्ड सॉइल होती है, सिलिका बेस्ड सॉल्ट होती है, वो उस वाटर के साथ घुल मिल जाती है। अब पानी तो ऐसा नहीं है कि वो टिका रहेगा पहाड़ पे, वो तो फ्लो करता है, आपको मालूम है, फ्लो करने के बाद वो एक छोटी छोटी नदी यहां से बनाती है और वो सीधा का सीधा नदी अरेबियन सी वगैरह में चली जाती है। क्या हुआ, सॉइल से सिलिका निकाल के ले गया क्या वो है? पानी क्या किया, सॉइल से सिलिका निकाल के ले गया, तो ये हुआ क्या, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लीचिंग, लीचिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग, मतलब पानी सॉल्ट में, सॉल्ट पानी के अंदर घुल गया, फिर वहां से पानी बह के निकल गया, है ना, तो इस तरह से सॉल्ट जो है सॉइल से रिमूव हो गया, सिलिका बेस्ड सॉल्ट, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है लीचिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़े हो लीचिंग, तो यही वो लीचिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं होता, समझ गए। वहां पर भी हम ज्यादा पानी डालते हैं ताकि सॉल्ट वगैरह घुल जाए, फिर वो पानी को ड्रेन आउट करवा देते हैं, इसी को बोला जाता है लीचिंग, है
है ना, सेलिनिटी ऑफ सॉइल को कम करने के लिए लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। तो दिस इज द लीचिंग प्रोसेस। तो ये नेचुरली लीचिंग होके आपका सिलिका बेस्ड सॉल्ट जितने भी है सॉइल से वो बाहर निकल जाएंगे उधर से। तो बचेगा सॉइल में क्या, जनरली बचता है जो मुख्य रूप से वो बचता है आयरन, अल्यूमिनियम, ये सारी चीज, ठीक है। तो बेसिकली खास करके आयरन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा, आयरन और अल्यूमिनियम। तो इस तरह का जो सॉइल फिर मिलता है आपको वो लाल कलर का जनरली दिखता है, लाल कलर का, रेड कलर का, समझ आ रहा। और ये जो सॉइल होती है इस सॉइल को हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। और ये सॉइल जनरली आपको ये जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, फिर माउंटेनियस रीजन जैसे जहां पे बारिश, मूसलाधार बारिश भी हो रही हो वहां पे आपको ये सॉइल देखने को मिलता है, इसको हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं। इसमें ये आयरन रिच होती है ना, ये क्या होती है, आयरन रिच। इसलिए कभी भी देखोगे आयरन इंडस्ट्री वगैरह अगर सेटअप किया जाता है तो वहीं पे किया जाता है जिसके बगल में ये आयरन ओर्स मिलते हैं, है ना, इस तरह के सॉइल मिलते हैं जिसमें आयरन ज्यादा हो, समझ गए बात को। तो वो हेडिंग डालिए लेटराइट सॉइल। ये सब इरेज कर देता हूं, ये तो मैं लिखवा ही दूंगा, ये तो प्रोसेस था समझाने का। तो लिखिए लेटराइट सॉइल, इट इज फाउंड ड्यू टू लीचिंग, LACHING, लीचिंग कॉमा, क्या मतलब इसका, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिका बेस्ड सॉल्ट, वॉशिंग आउट ऑफ सिलिका बेस्ड सॉल्ट फ्रॉम सॉइल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड कॉमा अल्यूमिनियम ऑक्साइड ETC, जनरली फाउंड इन हिली एरिया वेयर वी ऑब्जर्व हैवी रेनफॉल, एग्जाम्पल ईस्टर्न घाट EG, वेस्टर्न घाट WG, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऐसा लिख लीजिए। रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन हाई क्वांटिटी, ठीक है। ये सारे की पॉइंट्स हो गए इसके। देखिए ये सब चीज हम लोग क्यों इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके आजकल क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे एग्जाम अपडेट हो रही है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे थ्योरिटिकल क्वेश्चन बनाते हैं और एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर ES examinations एंड डिफरेंट स्टेट AEJEE examinations फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सॉइल, ओके। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है उसको देखते हैं, वो है ऑर्गेनिक सॉइल, उसका जो चर्चा करेंगे वो है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल दो तरह का होता है, एक होता है पीट, दूसरा होता है मक, है ना। अब ये होते क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो यार समझो बात को, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर है, मतलब पूरा जंगल जंगल है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह होता है वहां पे जंगल ही जंगल देखते हैं आप, है ना, या फिर कोई भी ऐसा बड़ा एरिया जहाँ फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, तो वहां पे होगा क्या, फॉरेस्ट कवर है, एनिमल्स है, सब कुछ है, समझ रहे हैं, तो वो लोग सब मरेंगे, फिर फॉरेस्ट जो होता है वहां से पत्ते हरदम गिरते रहेंगे जमीन के ऊपर, तो जैसे जैसे जमीन के ऊपर गिरेंगे, ठीक है, और जो एनिमल वगैरह डेड बॉडी वगैरह वो सब डिकम्पोज होगा मरने के बाद, तो वो सॉइल में ही तो जा रहा है, किधर जा रहा है, वो सॉइल में जा रहा है, तो सॉइल में जा रहा है, फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा ना, ऑर्गेनिक कंटेंट उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो केमिकल चेंज है ना, केमिकल वेदरिंग, तो यहां से बनेगा एक फाइन ग्रेन सॉइल, समझ आ रहा है। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद तो ऑर्गेनिक रिच हो जाएगा, ये जो सॉइल बनेगी वो ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी, और बहुत ऑर्गेनिक चीज जो भी होती है उसका रंग जनरली काला ही होता है, तो ये भी काला रंग का दिखेगा। तो यही जो सॉइल बनता है इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। अब ये दो तरीका का होता है, दो तरीका का क्या, एक होता है मक, दूसरा होता है पीट। जो मक होता है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होती है, और जो पीट होती है इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। मक में कम ऑर्गेनिक कंटेंट, पीट में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट, बस यही चीज है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। इसके बारे में और थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जाननी है कि ऑर्गेनिक सॉइल कैसे कैसे होते हैं। तो दो तरह के ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं और इस तरह से वो फॉर्म होते हैं। अच्छा, ये जो पीट बना, जो मैंने आपको बोला पीट है ना, ये चूंकि इसमें हाई ऑर्गेनिक सॉइल है तो धीरे धीरे देखो, पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉइल बन गया, उसके बाद फिर से ये प्रोसेस साइकिल है ना, सालों साल चलते रहेंगे, पत्ते हरदम गिर रहे हैं, जानवर हरदम उनका डेड बॉडी आ ही रहा है, तो ये सालों साल चलेगा, तो सालों साल वो ऑर्गेनिक कंटेंट बनते रहेंगे, वो डिकम्पोज होने के बाद ऑर्गेनिक कंटेंट बनते रहेंगे, तो नीचे वाला जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो और नीचे चले जाएगा, फिर ऊपर एक नया लेयर, उसके ऊपर फिर नया लेयर, फिर नया लेयर, तो इस तरह से जब लेयर बाय लेयर ऑर्गेनिक कंटेंट जमा होते चलेगी, तो सोचो जो निचला वाला लेयर उस पर कितना लोड आएगा, बहुत सारा लोड आ रहा होगा, पूरा ऊपर का सॉइल का आ रहा होगा ना, उस कारण से ये ज्यादा कंप्रेस होगा, इस पर ज्यादा दबाव होगा, प्रेशर होगा, जिस कारण से वो
कंप्रेस हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो धीरे धीरे कंप्रेस होते 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 सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉलिड जैसा बन जाएगा, बहुत तगड़ा, मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, कोल में कन्वर्ट हो जाती है, यही जाके कोयला बन जाता है, पीट, समझ में आ रहा है, पीट जो है वो जाके बाद में ऑर्गेनिक सॉइल एक तरह का, जो कि बाद में जाके कोयला का रूप ले लेता है। आपको ये एमपी वाले रीजन में आपको बहुत ज्यादा पीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वहां तो भाई घरों के नीचे कोयला का खदान मिल जाता है, ठीक है। लिखिए ऑर्गेनिक सॉइल, ये भी एक तरह का फाइन ग्रेन सॉइल है ना, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग का नतीजा है और फाइन ग्रेन सॉइल है। केमिकल वेदरिंग क्यों, ऑर्गेनिक कंटेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए केमिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग से जितने भी सॉइल बनते हैं दोज आर बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल, तो दिस इज ऑल्सो ए फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको दो चीज बताई, एक बताई मक, जिसमें लेस ऑर्गेनिक मैटर होती है, लेस ऑर्गेनिक मैटर होती है कहने का मतलब और भी कुछ होगा तो वो क्या होगा, लेस ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल, इसकी होती है ये मिक्सचर, समझ गए, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट लेस होता है बस यही है, ये वो होता है एक मक सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं मक, ये भी अप्रोक्सीमेटली ब्लैक कलर की होती है ना, लगभग काली रंग की ये भी होती है क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। पीट, अब ये देखो पीट, इट कंटेंस हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये तो पूरा का पूरा वही ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन से ही हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन से, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम ब्लैक टू डार्क ब्राउन, कलर भी पूछ सकते हैं यार एग्जाम में, है ना, याद रखिएगा। एंड इट पोजेसेस ऑर्गेनिक ऑर्डर, इसकी जो बदबू है या फिर खुशबू कह लो, है ना, वो भी ऑर्गेनिक जैसा ही होता है, ऑर्गेनिक ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी मच हाई, कंप्रेसिबिलिटी इज हाई, ओके, इस आगे चर्चा होगा, टर्म याद रखिए, यहाँ पे नोट्स लिखवा रहे हैं इसलिए लिखते चलिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने बोला यही ऑर्गेनिक, ये जो पीट सॉइल होती है वो लंबे समय के बाद सॉइल का ट्रिमेंडस प्रेशर अपवार्ड, ऊपर जो सॉइल है उसका ट्रिमेंडस प्रेशर जब बॉटम लेयर के सॉइल के ऊपर आती है तो वो कोल में बदल जाती है, फिर इट गेट कन्वर्टेड इंटू कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सब चीज। अच्छा ये ऑर्गेनिक सॉइल जब हम पढ़ेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन, वहां पे मैं आपको बताऊंगा फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे मैं बताऊंगा कासाग्रांडे का चार्ट, कासाग्रांडे साहब ने एक चार्ट बनाया था प्लास्टिसिटी चार्ट, तो प्लास्टिसिटी चार्ट में इस ऑर्गेनिक सॉइल का जिक्र है, ऑर्गेनिक सॉइल को हम ओएच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओएच, ये एच का मतलब होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है वो हमेशा हाईली कंप्रेसिबल होता है, ध्यान रखना, ओ एच मतलब, ओ का मतलब ऑर्गेनिक सॉइल, एच का मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये नोटेशन है, ये सब कुछ आप नोटेशन खुद से बनाने लगोगे, सॉइल क्लासिफिकेशन आगे आएगा, जैसा मन तैसा नोटेशन बनाओगे, जबरदस्त वे में, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया, ध्यान रहे कि ऑर्गेनिक सॉइल का जिक्र होता है प्लास्टिसिटी चार्ट में, और प्लास्टिसिटी चार्ट में इसको ओ एच कहा जाता है ना, और मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, यहाँ एच का मतलब होती है हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को तीन तरीके से वहां बताया गया है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एल, आई और एच, एल मतलब लो, आई मतलब इंटरमीडिएट मीडियम, और एच मतलब हाई, तो ऑर्गेनिक सॉइल हाई कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक नोट लिखिए, नोट लिखिए आप, नोट क्या लिखेंगे, सिंपल सा नोट है, देखो जो अभी पीट प्लस मक आपने पढ़ा ऑर्गेनिक सॉइल, ये इनको कंबाइनली, मतलब कंबाइंड इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्यूमुलोस सॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलोस सॉइल टर्म है, टर्म ध्यान रखना पड़ेगा, क्यूमुलोस सॉइल क्या है पूछ दिया कभी एग्जाम में तो मालूम होना चाहिए कि इट इज नथिंग बट पीट प्लस मक जो होती है इन दोनों को मिलाकर हम उसे क्यूमुलोस बोलते हैं, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन। चलिए अब एक तरह का सॉइल और है जिसे हम कहते हैं लोम, लोम क्या है, देखिए अभी तक हमने, आपने जैसे देखा कि सॉइल जो बनते हैं वो फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग से बन रहे हैं बहुत सारे सॉइल,
बट ये लोम ऐसा नहीं है कि ये किसी रॉक मास का फिजिकल या केमिकल वेदरिंग के कारण ये बना है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें हुआ क्या है, जो भी आपके पास प्रेजेंटली जो सॉइल है, जैसे क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, इन सभी का एक मिक्सचर है, और ये जो मिक्सचर होता है इनका, सैंड का, क्ले का, सिल्ट का, इन्हें डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है, समझ में आ रहा है। प्लस इसमें एक बात का और ध्यान दिया जाता है कि कोई भी एक टोटल का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है, समझाता हूं, लिखिए लिखिए, लोम क्या है, ठीक है, मतलब ये एक तरह का मिक्सचर है, क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन, बट लेकिन नन ऑफ इट, नन ऑफ इट मतलब सैंड, सिल्ट या क्ले, इनमें से कोई भी, नन ऑफ इट शुड बी मोर देन या इक्वल टू 50% ऑफ टोटल। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, मैं अभी रेशियो लिखवाता हूं। देखो ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है, ये लोम के बारे में आईएएस में ऑब्जेक्टिव पूछा है, आईईएस में भी पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी लोम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो थोड़ा टफली पूछ लिया था, ईएस में तो ये सीधा स्टेटमेंट पूछा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो दूसरा वाला चीज बता रहा हूँ वो पूछा था, चार ऑप्शन दिए थे, चार कॉम्बिनेशन दे दिए थे सैंड, सिल्ट एंड क्ले के, और बोला गया था इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लोम रिप्रेजेंट करता है। तो देखो होगा क्या, स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने क्या बोला, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, बट नन ऑफ इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 50%। तो एक एग्जाम्पल अगर लू मैं, पहले लोम के बारे में बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए सैंड आपका 30%, क्ले हो गया आपका 40%, तो 30-40 कितना हो गया 70, और सिल्ट भी हो जाएगा फिर 30%, तो तीनों मिला के 100% हो गया, तीनों मिला के 100% हो गया, और इनमें से कोई भी 50% या उससे ज्यादा नहीं है, तो ये लोम है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट तीनों का सम 100% होना चाहिए, और इनमें से कोई भी एक 50% के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि सैंड आपका 20% है, क्ले भी आपका 20% है, और सिल्ट जो है तो 20-20, ये हो गया 60%, तो क्या ये लोम, सेकेंड वाला जो कॉम्बिनेशन बताया, ये लोम रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, दिस इज नॉट लोम, दिस इज लोम, समझ गए? तो ये इस तरह से ऑप्शन बना के डाल दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्टेटमेंट का, और उससे पहले कभी किताब में, कोई कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया था, सिर्फ स्टेटमेंट याद करवाया गया था, उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया था लोगों को। तो अभी जिसको समझ में आया होगा तो वो टिक लगा दिया होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला, नहीं तो लूल गायब, खत्म, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनमें से जितने भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया सभी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक नोट बना के और लिखिए, नोट में लिखिए, जनरली ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, किसके लिए, फिजिकल वेदरिंग के कारण, ऑफ व्हाट रॉक मास इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। फिजिकल वेदरिंग के कारण, मैंने आपको बता रखा है ये पॉइंट, कोर्स ग्रेन सॉइल जनरली बनती है, दैट इज जो कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब ये होता है ना, कोर्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो सॉइल सॉलिड के पार्टिकल्स होंगी, गोल 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 गोल, मान लो स्फेरिकल नेचर के हैं, है ना, तो गोल 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 मतलब सॉइल सॉलिड का दाना, सॉइल का जो सॉलिड है उसका दाना का साइज वो बड़ा होगा, सॉइल सॉलिड ग्रेन्स वो बड़े होंगे, समझ में आ रहा है। सो दैट इज सॉइल सॉलिड विल हैव लार्ज पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज होंगे बड़े बड़े। इसके एग्जांपल क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल में जनरली क्या आते हैं, सैंड और ग्रेवल, यहाँ पे चार नाम बता रहा हूं, देखो सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, ठीक है, यहाँ पे मैंने उनका जो ग्रेन है उनका साइज भी लिख रखा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, एक तरह से हमने बेस्ड ऑन साइज मैंने आपको एक तरह से क्लासिफिकेशन बताया, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स पार्टिकल साइज, ठीक है। तो इस चीज को हम और भी आगे चल के अपना एक चैप्टर ही अलग से उसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी चूंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो नोट्स होना चाहिए, है ना, तो नोट्स आपको पूरा डिटेल में बनना चाहिए, कुछ हो ना हो नोट्स एकदम खूबसूरत बनाओ, क्योंकि जब भी आप बार बार रिवीजन करो तब आपको दिमाग में चीजें आए, हाँ सारा चीज एक जगह पे होना चाहिए। तो
तो सैंड और ग्रेवल ये दोनों आते हैं कोर्स कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर, और भी आते हैं, कोबेल आता है, बोल्डर आता है, वो सारा आता है, लेकिन हम जनरली ध्यान में रखते हैं सैंड और ग्रेवल। ओके, तो सैंड का जो साइज होता है वो आगे बताएंगे जब क्लासिफिकेशन देंगे, तो वहां पे और भी बोल्डर ग्रेव बोल्डर का बताएंगे, कोबेल का बताएंगे, सबका बताएंगे। तो सैंड का जो साइज होता है 0.075 mm से 4.75 mm के रेंज में होता है सैंड। फिर 4.75 mm से बड़ा लेकिन 80 mm से छोटा या उसके बराबर का जो साइज होता है वो होता है ग्रेवल का। 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, समझ रहे, इतने बड़े बड़े पत्थर, गोल गोल, इतने बड़े या इतने बड़े, वो सारे ग्रेवल में है ना। नदी के बेस पे देखते हो पत्थर, इतने गोल गोल, इतने बड़े बड़े पत्थर देखते हो, वो सभी ग्रेवल में है, समझ में आ रहा है। सैंड मतलब तो देख ही रहे हो बालू। ओके, तो वो सैंड है, उसके पार्टिकल साइज कितने के होते हैं, 0.075 mm से 4.75 mm, मतलब वो सैंड का एक दाना, छोटा सा दाना का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, किसके कारण, केमिकल वेदरिंग, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, आपने देखा केमिकल वेदरिंग के कारण अलग अलग फाइन ग्रेन सॉइल्स को हमने देखा। अच्छा, लीचिंग, लीचिंग, लीचिंग के कारण भी एक सॉइल बना था, याद है, जो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन सब में मिला था, क्या बोलते थे उसको, लेटराइट सॉइल। पूछ सकते हैं, लेटराइट सॉइल केमिकल वेदरिंग का नतीजा है, फिजिकल वेदरिंग का नतीजा है, किसका नतीजा है, लीचिंग का नतीजा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्या लीच आउट हो जाती है उससे, लीच जो होती है वो सिलिका बेस्ड सॉल्ट लीच होके वहां पे आ कौन जाता है, आयरन या अल्यूमिनियम, उनकी प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो लाल रंग की दिखती है। वो ऐसे लोकेशन में बनेगी जहां पर माउंटेनियस रीजन भी है और हैवी रेनफॉल हो रहा है, क्लियर है। फाइन ग्रेन सॉइल बेसिकली यही दो होते हैं, यही दो होते ही है, मतलब जो हम देखते हैं वो देखते हैं सिल्ट, क्ले, और भी है ऑर्गेनिक सॉइल वगैरह, वो भी फाइन ग्रेन सॉइल में ही आता है, फाइन ग्रेन सॉइल के कैटेगरी में, लेकिन हम पूरा का पूरा भी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर मैक्सिमम यही चार टाइप ऑफ सॉइल पे हम डिस्कशन अपना करते रहेंगे, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। ये आपको तो रट जाना चाहिए, आगे रट भी जाएगा, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले है, यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखा है, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। ये जो सिल्ट एंड क्ले है, इसे हम बेसिकली कहते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब इसके जो दाने होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे छोटे, बहुत छोटे, क्ले के दाने तो दिखेंगे भी नहीं इंडिविजुअली, ऐसे देखने का सोचोगे तो पता ही नहीं चलेगा, अरे यहाँ पे कोई सॉइल पार्टिकल भी है क्या, इतने छोटे, लेस देन 2 माइक्रोन। ये जो 0.002 mm है, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2 माइक्रोन, तो 2 माइक्रोन से भी कम का साइज होता है क्ले पार्टिकल का। और 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक जो साइज होती है, या फिर 0.075 mm टू 0.002 mm, ये बेसिकली क्या है, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, ये जो साइज होती है, दिस इज ऑफ सिल्ट। यहाँ पे आप सैंड का ये 0.075 mm जो है, इट इज व्हाट, इसको आप 75 माइक्रोन लिख सकते हैं, 75 माइक्रोन टू 4.75 mm, ये जो साइज होती है वो सैंड की है। ओके, और सैंड से छोटा है सिल्ट, सिल्ट से छोटा है क्ले, सैंड से बड़ा है ग्रेवल, मतलब ग्रेवल पहले, फिर सैंड, फिर उससे छोटा सिल्ट का पार्टिकल, फिर उससे छोटा क्ले का पार्टिकल, समझ गया। सिल्ट और क्ले दोनों को मिला के हम फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं, और भी हैं उसमें, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल में, लेकिन मुख्य रूप से सिल्ट एंड क्ले जो होती है सॉइल में, वही होती है परसेंटेज फाइननेस इन ए सॉइल, आगे देखेंगे, है ना। तो ये इसके साथ अपनी टॉपिक खत्म हो गई टाइप्स ऑफ सॉइल का। ओके, याद रखिएगा, नोट्स अच्छे से लिखवा दिया है ध्यान से, आगे बात करते हैं, आगे क्या है टॉपिक अपना, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। वेल, तो ये टॉपिक को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग फर्स्ट से ही ये टॉपिक डिस्कशन होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो टाइप ऑफ सॉइल वाला वीडियो था, इसमें मिक्सअप हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब अच्छा तो सब कुछ है, अलग से इसका एक डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थैंक यू, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी विल स्टार्ट थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। अब यहाँ से आपका पूरा सॉइल मैकेनिक्स डिटेल चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम को हम लोग समझेंगे, फिर हम कुछ सॉइल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, जैसे उसका यूनिट वेट को डिफाइन करेंगे, वाटर कंटेंट को डिफाइन करेंगे, पोरोसिटी को डिफाइन करेंगे, वॉइड रेशियो को डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिफाइन करेंगे, उसका ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, समर्ज डेंसिटी निकालेंगे, सब चीज यहीं से चलेगी। सर, तो हमको थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल क्या है पहले वो समझ में आना चाहिए, तो ये नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से ड्राइंग बना के, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन देके, क्या आपको मालूम है सॉइल का, आप लोग बहुत सुन रखे होंगे थ्री फेज सिस्टम, फोर फेज सिस्टम भी सॉइल बनता है,
कहाँ बनता है याद रखना, मतलब पता करके रखना, और कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा 4-phase सिस्टम किधर बनेगा, ठीक है। चलिए चालू कर रखता हूँ, एंडिंग। सब्सक्राइब।